18% इंटरेस्ट है सालाना, तो महीने का हो गया 1.5%, कम से कम 3% कमाओगे तो क्या करोगे। आंटी को तुम्हारे जैसे अच्छे बच्चे पसंद है, जो रोज बिस्कुट खाते हैं, टॉफी खाते हैं, और सॉफ्टी खिलाते सब है, कर भाई कर। फिर जैसे प्यारे बच्चे चाहिए निर्मला आंटी को। 3% जोड़ेंगे कौन से रहो, रिकॉर्डिंग चालू है। 18% ब्याज ला क्या करें। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम ठीक है। परवाल साहब इज ऑल्सो ज्वाइंट। परवाल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कौन सा? थैंक सर यू, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते। हाँ, आपके आ जाने से पूरी वो हो जाती अरे है, नहीं, मेरे आने से क्या हो जाता टाइम में बढ़ जाता है? नथिंग है। लाइक बट मिट्टा जी आपने जो तीन नमस्कार दिन का है सर। आपने ये 3 दिन का जो रखा है ना, दिस इज वेरी रेलिवेंट एंड वेरी यस सर, नीड ऑफ एप्ट। आवर, एक्चुअली नीड ऑफ हाँ आवर है ये। यही है, यस। अभी 16 मंडे सबको की और रख दी रिटर्न। सर, अपन ने एक मंडे की कंपनी ला पे रख दी, कंपनी कंप्लायंसेज पे, अच्छा आरओसी कंप्लायंसेज पे, A to Z अबाउट आरओसी कंप्लायंसेज, ठीक ये है, मंडे की रखी है, वही 5 to 7। 5 to 7, अभी वो भी ठीक है। रिलेवेंट ही है सर, हाँ, कंपनीज के भी सब जो अभी चल ही फाइलिंग्स रहा हैं है वो सब सब चेक। चीज। तो ये 4 थोड़ा सा ठीक हो जाएगी, लोगों के डिमांड भी आ रही है कि वापस रखो, ये करो, थोड़ा सा मतलब लोगों को फायदा मिल रहा है। वेरी ठीक सीनियर है, मेंबर फ्रॉम उदयपुर ऑफिस, चपलो साहब हैज ऑल्सो ज्वाइन। चपलो साहब नमस्कार। वीन गोधा जी हैज ऑल्सो ज्वाइन। आदमी है कि दूसरी चीज आ गई, इसको हटा। कल भी सर करीब 150-100 लोग बाग थे। हाँ अच्छा रोज करीब करीब 150 आ रहे हैं अभी, करीब ठीक बात है। करीब 150 लोग बाग ज्वाइन कर रहे हैं।
टुडेज स्पीकर तेज प्रकाश जी इज ऑल्सो ज्वाइंट सर। तेज प्रकाश जी आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। एक मिनट, तेज प्रकाश जी को, तेज प्रकाश जी ज्वाइन कर लिए, इनको जो है ना होस्ट बनाना, होस्ट मत बना, इनको स्क्रीन पावर, स्क्रीन शेयर की पावर दे। हेलो अग्रवाल, तेज प्रकाश जी क्या हाल चाल है? सतीश, सतीश सर बढ़िया, सर बढ़िया, हाँ ऑल गुड, बढ़िया सर, आप बताइए। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर,
सतीश जी स्टार्ट कर दे क्या? नमस्ते जनरल सेक्रेटरी साहब। नमस्ते नमस्ते सर, स्टार्ट कर देना चाहिए, आपकी परमिशन की जरूरत है। सबको नमस्कार। हमारे अध्यक्ष बोलने लग गए। किसकी अरे आपकी आवाज अत्यंत ही आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही है? अध्यक्ष की नहीं आ रही, मेरी नहीं आ रही? बताओ अगर कंपनी अनलिस्टेड उसके अंदर आता है। मेरी आवाज आ रही है जॉली जी? ओके, आ रही है सर, आ रही है। आपकी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट और स्टार्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से। पार्टिसिपेंट का नाम चाहिए फिर वो मैसेज चाहिए। हाँ मैसेज सर, क्या पार्टिसिपेंट सुन रहने रहा दो। हूँ। क्लिक करो इसको, क्लिक करो। नहीं, वर्टिकल भी नहीं बोला मैंने, उसको ऊपर डेट ऑफ बर्थ नॉट एप्लीकेबल दिया ना, तो चला गया। अभी कुछ भी नहीं बोला उसको, ये बोल रहे शेड्यूल ए इज नॉट अध्यक्ष जी एप्लीकेबल चालू सर। कर दे, 5 बज गए। जॉली जी, हाँ सर ठीक है ठीक है, सर, हाँ मैं सर, चालू कर दे। राइट, थैंक कंप्लीट। यू। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं रतन सतीश जी गोयल। आवाज तो क्या हो गया, आ मेरी आवाज को रही है ना? आवाज तो आ रही है, आपके पास परवाल साहब कैसा नहीं आवाज आ आ रही रही है? है? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। बिल्कुल सतीश ठीक आ रही है आवाज, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। जी, अब आ रही है, नमस्कार बढ़िया आ रही है सर। आवाज। अच्छा, हाँ सतीश के टेक्निकल नमस्कार प्रॉब्लम। नमस्कार हाँ जी नमस्कार सर, नमस्कार सर। करें सतीश जी, परमिशन हो तो चालू कर दी जाए। थैंक करें सर करें। यू, थैंक यू। गुड चलिए इवनिंग लेडीज एंड ना जेंटलमैन, मैं रतन बैठे गोयल, राजस्थान कर सलाहकार संघ और कर सलाहकार संघ की तरफ से मूवमेंट खत्म कैसे हो आप गया? सभी का इस वेबिनार में, मैं तो 30वें दिन की मेरा वेबिनार में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक मैं अभिनंदन और जैक बहुत बहुत क्वेश्चन स्वागत। वाला लिखना पड़ेगा नीचे। तो मैं आपके पास रजिस्टर कर, हाँ, वो हमने लिखना 3 दिन पड़ेगा। किए मेरे को राजस्थान म्यूट कर को सलाहकार सबको संघ और कर कहे कि सलाहकार संघ अनम्यूट की। कर ले। रतन जी म्यूट कर दो पहले, सबको राइट, म्यूट कर, पहले म्यूट कर दो इनको। इतने साल छोड़ा है तो इस बार भी छोड़ ही दूंगा। हो गए सर। राजस्थान कर सलाहकार संघ ने 3 दिन की वेबिनार अपने सभी मेंबर्स को अपडेट करने के लिए रखी गई थी। डे 1 पे हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन रखा था, सेकंड डे पे हमने 10B के बारे में कहा था, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन रखा था, और थर्ड डे हम ITR 7 की बात करेंगे, जिसमें आज के स्पीकर हमारे पास श्री तेज प्रकाश जी अग्रवाल हैं, जो जयपुर से हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक्सपर्ट है एनजीओ और ट्रस्ट की प्रैक्टिस के लिए एक्सपर्ट हैं, वो इज एक्सपर्ट इन एनजीओस एंड ट्रस्ट मैटर्स। साथियों, राजस्थान कर सलाहकार संघ पिछले जब से इसकी स्थापना हुई है तब से अपने मेंबर्स को अपडेट करने के लिए अथक प्रयासरत रहता है। हमारा भी ये प्रयास है कि हमारे मेंबर्स को जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द एनवायरमेंट, इन द कॉमर्शियल वर्ल्ड हो रहे हैं, वो हम जल्दी से जल्दी हमारे मेंबर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि हम इसमें विश्वास करते हैं कि वी नो दैट, वी बिलीव दैट इन द चेंजिंग कॉमर्शियल वर्ल्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट आर ए टैक्स प्रैक्टिसर इज नॉट ओनली नीड टू बी अपडेटेड द लेटेस्ट प्रोविजंस, लेटेस्ट अमेंडमेंट टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट, बट ही हैज टू बी रेगुलरली अपडेटेड क्लाइंट्स ऑल्सो। वेन ही विल नॉट बी अपडेटेड, हाउ ही विल बी सपोज टू अपडेट हिज क्लाइंट्स? सो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम हमारे मेंबर्स को लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट एक्सपर्ट्स के जरिए हम लेटेस्ट जानकारी उपलब्ध कराया करें। उसी का प्रयास है कि ये वेबिनार, हमने 3 दिन की वेबिनार जो लेटेस्ट बर्निंग टॉपिक्स है आज की तारीख में चैरिटेबल ट्रस्ट को लेके, जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई है आपकी बात की इस बार में,
10B का फॉर्म बहुत बड़ा हो गया, उनको लेके हमने ये वेबिनार करी है और काफी संख्या में हमें ऑडियंस भी काफी संख्या में ज्वाइन कर रही है। दिस शोज द ग्रेविटी ऑफ द मैटर। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते, हमारे पास एक्सपर्ट है आज के, हमारे तेज प्रकाश जी अग्रवाल है और सब उनसे भी ज्यादा एक्सपर्ट हमारे साहब ने पीसी परवाल साहब हैं, जो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज है सर, वो हमारे लिए की नोट एड्रेस करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले विनय जौली साहब से कि अध्यक्षीय उद्घोषण दें और मेंबर्स का स्वागत करें। प्लीज जौली साहब। थैंक यू रतन जी। आवर लर्नर स्पीकर ऑफ टूडेज वेबिनार श्री सी एस श्री तेज प्रकाश जी अग्रवाल। और आज हमारे बीच में हमारे टैक्स के सबसे बड़े गुरु जिनको कहा जा सकता है, प्रकाश जी भरवाल साहब, पास्ट प्रेसिडेंट सतीश जी, और सभी ऑफिस बेयरर्स एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ आरटीसी एंड टीसीए एंड सीनियर मेंबर्स एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स ऑल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। एट द आउटसेट आई वेलकम यू ऑल। आई वेलकम अवर लर्नर स्पीकर सी ए श्री तेज प्रकाश अग्रवाल। आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू सर फॉर एक्सेप्टिंग अवर रिक्वेस्ट टू शेयर योर वैल्यूएबल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑन टूडेज टॉपिक। आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू अवर इमीडिएट पास्ट प्रेजिडेंट श्री सतीश गुप्ता जी फॉर फुल सपोर्ट फॉर वंडरफुली ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार सीरीज सक्सेसफुली। आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफिस बेयरर्स एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर्स फॉर फुल सपोर्ट एंड हार्ड वर्क फॉर सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजिंग द वेबिनार सीरीज। लेट मी ऑल्सो थैंक्स ऑल कन्वीनर्स फॉर द एक्सटेंडिंग देयर फुल हार्टेड कोऑपरेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस वेबिनार सीरीज। आई शेल रिमेन ऑलवेज ग्रेटफुल टू द सीनियर members for showing their valuable guidance and support. I shall remain always grateful to all the participants from all over India for their active participation. I again welcome you all. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Ratan ji. Ratan थैंक यू ji. विनय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं निवेदन करना चाहूंगा पीसी परवाल साहब से, जो हमारे सोर्स ऑफ नॉलेज है, ज्ञान की गंगा है सर, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमारे कीनोट एड्रेस के लिए करें, उद्बोधन करें। थैंक पीसी यू, परवाल साहब थैंक प्लीज। यू रतन जी, विनय जी, सतीश जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देऊंगा कि आपने ये वेबिनार बहुत ही ऐसे समय पे रखी है जिसकी इसकी सबसे ज्यादा उपयोगिता है। और मैंने ये देखा कि आपने जो तीन सेक्शंस में इसको डिवाइड किया, फर्स्ट इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, व्हाट इज इनफैक्ट ए चैरिटी दैट इटसेल्फ इज ए बिग डिबेट, क्योंकि जो सेक्शन है 215 चैरिटेबल पर्पस का जो मतलब है और उसमें जो लास्ट क्लॉज है एनी अदर एक्टिविटी ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, और उसके साथ जो प्रोविजो लगा हुआ है दैट इटसेल्फ इज वेरी इट इज समथिंग विच रिक्वायर ए लॉट ऑफ नॉलेज टू डिसाइड हाउ टू फाइल ए रिटर्न। मैं थोड़ी सी चर्चा उस पर करूंगा। उसके बाद जो आपने नेक्स्ट सब्जेक्ट रखा था टॉपिक, दैट वाज फॉर्म 10B, हाउ टू प्रिपेयर द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस, बोथ अंडर सेक्शन 11(12) एंड सेक्शन 1023C। अब दोनों फॉर्म, दोनों सेक्शंस का एक ही फॉर्म हो गया 10B। पहले 10B और 10B भी अलग अलग होते थे, अब वो 10BB है, वो जिनकी इनकम कम है, 5 करोड़ से कम है, उन पे लग गया और बाकी सब इसमें आ गए। सो दैट फॉर्म 10B इज इनफैक्ट ए रिप्लिका ऑफ ITR 7। यदि आपने फॉर्म 10B को करेक्टली फिल कर दिया तो आपको फिर ITR 7 में उस फिगर को इंटरपोलेट करना है, और जो ITR 7 है, आई आई एडमिट कि मैंने अभी तक कोई ITR भरी नहीं है माई सेल्फ। कोई कुछ पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ इसको ऐसा होना चाहिए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ITR 7 का रिटर्न फॉर्म निकाला, एंड दिस रिटर्न फॉर्म के साथ मैंने कहा कि इसके साथ में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी दीजिए,
तो मेरे ऑफिस में कहा गया कि साहब वो इंस्ट्रक्शन तो 202 पेज के हैं, तो आईटीआर फॉर्म भी मेरे ख्याल से 25-30 पेज का है और उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो 202 पेज का है। सो यू कैन विजुलाइज कि इसको भरने के लिए जब इंस्ट्रक्शन 202 पेज के हैं तो कितनी एक सीए को या एडवोकेट को या टैक्स प्रैक्टिशनर को स्किल चाहिए कि वो इसको भर सके। और इस सब्जेक्ट के जो आज हमारे वक्ता है तेज प्रकाश जी, मैं भी प्रकाश हूँ, वो डबल प्रकाश है क्योंकि प्रकाश के साथ उनमें तेज भी है। सो आई आई बिलीव एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आईटीआर कैसे भरनी है, ITR 7 उसके बारे में जो हमसे चर्चा करेंगे, सो वी वुड बी मच वी वुड अवर अवर नॉलेज वुड गेट इनरिच्ड। अभी तक जो कुछ हमारे नॉलेज थे उसमें इजाफा ही होने वाला है कि हम उसको और सही तरीके से भर सके। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात कह सकता हूँ, और अभी जिस तरीके से मैटर चल रहे हैं, चाहे वो CIT अपील में चल रहे हैं या ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं, कि ऐसे कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको यदि हम बारीकी से नहीं समझे तो उसपे काफी बड़ी एक टैक्स की डिमांड और टैक्स की लाइबिलिटी आ जाती है। तो हमारे को ITR 7 भरने के समय बहुत ही माइन्यूटली जो क्लॉज है उसमें क्या पूछा गया है और उसमें क्या फिगर डालनी है, ये हमारे को जानकारी होनी जरूरी है। जहां तक जो चैरिटेबल पर्पस है, क्योंकि ये सारे जो रिटर्न है यदि हम इस रिटर्न के फॉर्म को देखें तो ये रिटर्न भरनी किसको है? एनी पर्सन इंक्लूडिंग ए कंपनी। तो ये रिटर्न फॉर्म कंपनी भी भर सकती है और पर्सन भी भर सकते हैं, बट कौन? जिनको रिटर्न भरनी है Section 139(4)A में या 4B में या 4C में या 4D में, तो केवल जो इन चार सेक्शंस में जिनको रिटर्न भरने की जिम्मेवारी है, क्योंकि कंपनी का एक रिटर्न फॉर्म अलग है, बट यदि वो कंपनी Section 8 की कंपनी है तो उस केस में उसको कंपनी का रिटर्न फॉर्म नहीं भरना है, उसको ITR 7 भरना है, बिकॉज दैट कंपनी इज फॉर कैरिंग आउट द चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव, चैरिटेबल पर्पस वो कंपनी बनी हुई है। तो ये हमको ध्यान रखने की जरूरत है। और ये जो चार सेक्शंस है 139(4)A, तो जिनको एग्जम्पशन क्लेम करना है Section 11(12) का, उनको 4A में रिटर्न भरनी पड़ती है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो पॉलिटिकल डोनेशंस लेती हैं, उनके लिए Section 139(4)B है, उनको भी इसी फॉर्म में रिटर्न भरनी है। और जो Section 10 में डिडक्शंस एग्जम्पशंस क्लेम करते हैं, जिसमें 1023(c) भी शामिल है, 1047 भी शामिल है, और भी बहुत सेक्शन है Section 10 के जिसमें जो एग्जम्प्ट क्लेम करते हैं, तो उनको 139(4)C में रिटर्न भरनी पड़ती है। 139(4)C के तहत रिटर्न भरनी पड़ती है, उनको भी यही ITR फॉर्म यूज करना है। और 139(4D) जो साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है Section 35 में जो क्लेम करते हैं, उनके लिए भी यही ITR 7। तो मोटे तौर से जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी रिलीजियस ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस हैं जो एग्जम्पशंस क्लेम करना चाहते हैं आइदर अंडर Section 11(12) और Section 10, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या Section 35 में जो क्वेश्चन है, उन सबको ITR 7 भरना जरूरी है। और इसलिए इस ITR 7 को तरीके बिल्कुल से हम भर पाए, इसके लिए जो आज की वेबिनार रखी हुई है वो काबिले तारीफ है। और मैं अपनी बात में एक दो चीजें और जोड़ के मैं ये डिस्कशन हमारे स्पीकर की तरफ ले जाऊंगा कि वो हमें बताएं कि कैसे ITR 7 को प्रॉपर तरीके से भरना पड़ता है। मैं एक चीज जो अभी रिसेंटली मेरे इस नॉलेज में आई और जिसको मैंने अभी ट्रोपल में आगे भी किया, नॉट इन रिलेशन एग्जैक्टली विद Section ITR 7 और 410B, दैट इशू वाज विद रेफरेंस टू
when you file an application for a registration for approval under section 80G, तो उसकी पहली कंडीशन है कि आपका ट्रस्ट सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। और 80G में जो कंडीशन है उसमें आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आप उसको रेगुलर रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, तो उसमें एक कंडीशन है कि आपको एक्टिविटी स्टार्ट होने के 6 मंथ के अंदर, या आपकी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है तो जो 3 साल का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है उसके 6 महीने खत्म होने के पहले आपको दोबारा एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी फॉर गेटिंग ए रेगुलर रजिस्ट्रेशन। नाउ सेक्शन 11-12 के रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम एक्सटेंड होते होते लास्ट 30th of September 2023 तक उस टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया था। और सितंबर में जिन लोगों ने भी रिटर्न, जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाई या गलत एप्लीकेशन लगा दी, सब क्लॉज ठीक नहीं कोट किया और उसकी वजह से रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया, सो देवर गिवन ए चांस टू फाइल द एप्लीकेशन एंड गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। बट फॉर 80G जिन्होंने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी और 6 महीने के अंदर उनको अप्लाई करना था फॉर गेटिंग ए परमानेंट रजिस्ट्रेशन, वो पीरियड एक्सटेंड किया था सरकार ने टाइम टू टाइम और उसकी लास्ट डेट थी 30th of September 2022, उसको एक्सटेंड नहीं किया। नाउ जिस व्यक्ति ने 30 सितंबर के पहले उसका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 80G में हो गया बट 30 सितंबर के बाद उसने अप्लाई किया, तो कमिश्नर एग्जम्पशन ने यह व्यू लिया कि साहब चूंकि आपकी एप्लीकेशन 30 सितंबर 22 के पहले फाइल नहीं हुई, उसके बाद फाइल हुई है, देयरफॉर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द परमानेंट और रेगुलर रजिस्ट्रेशन अंडर 80G एंड दैट वाज डिनाइड। दिस मैटर वेंट अप टू द ट्रिब्यूनल और जब इसको बारीकी से देखा गया तो जो CIT एग्जम्पशन ने किया वो एज पर लॉ है, उस पर कोई डाउट और डिस्प्यूट नहीं है। बट क्वेश्चन ये उठा कि क्या मेरा, यदि आपने 80G को रिजेक्ट कर दिया और मेरा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अभी भी 3 साल के लिए अवेलेबल है, तो वेदर दैट रजिस्ट्रेशन रिजेक्शन वुड मीन कि मुझे आगे कभी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, या मैं दोबारा अप्लाई करूंगा तो वो वापस कहेंगे कि योर एक्टिविटी हैज स्टार्टेड एंड विद इन 6 मंथ यू हैव नॉट फाइल्ड द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, परमानेंट रजिस्ट्रेशन, तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे 80G का रजिस्ट्रेशन कभी नहीं मिलेगा। नाउ व्हेन दिस मैटर वाज टेकन टू द ट्रिब्यूनल, सो आई प्लेस्ड एन आर्ग्यूमेंट कि यदि हम इसको इतना स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करें, दिस इज ए प्रोसीजरियल लॉ, सो प्रोसीजरियल लॉ शुड नॉट टेक ओवर ए सब्सटेंटिव लॉ, इट शुड सबसर्व द पर्पज ऑफ द मेन सेक्शन। देयरफॉर इवन देयर इज, इफ देयर इज ए डिले, then CIT should have a power to condone the delay. अभी तक पूरे sections में section 11, 12, 80G इसमें कहीं भी power of condonation of delay नहीं है, तो हम अपनी association से ये बात रख सकते हैं। और दूसरा ये है कि यदि मेरा 80G का आपने refuse कर दिया तो आप उसको कम से कम जिस महीने में मैंने application file की उससे ऑनवर्ड आप मुझे ग्रांट कीजिए। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आपकी जो एप्लीकेशन है दैट हैज बीन रिजेक्टेड फॉर ऑल टाइम्स टू कम, एटलीस्ट इन द मंथ इन विच आई फाइल द एप्लीकेशन विद ए डिले, डोंट कंडोन द डिले बट एटलीस्ट अलाउ मी द अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन फॉर 80G फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड, ताकि इसका जो बेनिफिट होता है वो डोनर्स को होता है। मेरे लिए, मेरा 12 है, मेरा को 12A में रजिस्ट्रल डबल FB में रजिस्ट्रेशन दे रखा है बट 80G में अप्रूवल नहीं है, तो जो मेरे डोनर्स है उनको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, उनको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सो द डिसीजन इज स्टिल अवेटेड, आई डोंट नो व्हाट वुड कम, बट जब भी ये डिसीजन आएगा आई वुड डेफिनेटली शेयर विद ऑल ऑफ यू कि इसमें क्या व्यू लिया। सो सच टाइप ऑफ थिंग्स कम अप व्हेन वी डील विद दिस ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि
किसी भी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस के लिए यदि हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें ये एग्जामिन करना चाहिए कि वास्तव में क्या वो चैरिटेबल पर्पस के लिए है, या इन द गाइज ऑफ चैरिटेबल पर्पस दे वांट टू डू एनी एक्टिविटी सो एज टू अर्न इनकम एंड प्रॉफिट। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि किसी भी सब्सिक्वेंट पीरियड में, सब्सिक्वेंट ईयर में यदि आपका रजिस्ट्रेशन विड्रॉ कर लिया जाता है, इन दैट सिचुएशन आपने जो भी एसेट क्रिएट की उस एसेट की मार्केट वैल्यू लेस द लाइबिलिटीज, जो डिफरेंशियल अमाउंट है, उस पे टैक्स लग जाएगा अंडर सेक्शन 115 DD। तो हम जब जब भी हम रजिस्ट्रेशन या के लिए अप्लाई करें, या हमने अप्लाई कर दिया, मुझे रजिस्ट्रेशन मिल भी गया, तो हमें यह भी कॉल लेना चाहिए कि क्या हमें वास्तव में एग्जम्पशन क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शुड आई पे टैक्स ऑन द सरप्लस? क्योंकि जो नॉर्मल कंपटीशन है और जो चैरिटेबल ट्रस्ट का कंपटीशन है, सारे डिडक्शन जो नॉर्मल नॉर्मल बिजनेस इनकम या नॉर्मल इनकम कंप्यूट करने में मिलने चाहिए, वो सारे इसमें भी मिलते हैं, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे आपको डिडक्शन एप्लीकेशन का और मिलता है। एक्सेप्ट फॉर एप्लीकेशन, यदि आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, यू आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ दैट एक्सपेंडिचर। यू हैव एन ऑप्शन आइदर टू क्लेम डेप्रिसिएशन और टू क्लेम द इंटायर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और आपको 15% का एक्यूमुलेशन मिल जाता है, और 15% से ज्यादा का आपको चाहिए तो आपको 11(2) का नोटिस देना पड़ता है। सो वन हैज टू थिंक कंसिडरिंग द सिचुएशन ऑफ दैट एसएससी एंड द पर्पस और द रियल मोटो बिहाइंड कैरिंग आउट दैट एक्टिविटी, वेदर वन शुड ऑप्ट फॉर चैरिटेबल एग्जम्पशन बाय फाइलिंग ITR 7 और दे शुड फाइल द नॉर्मल रिटर्न एंड फॉरगो द एग्जम्पशन। सो दैट शुड ऑल्सो नीड टू बी कंसिडर्ड considering the complexities which are involved in the present law which is there in the statute. So with this I think I would hand over the further proceedings for the our speaker, and I hand over the matter to Ratanji for taking it forward. Thank you. रतन जी अनम्यूट करिए। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड ऑफ विजडम। रियली वी एट चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स प्रोफेशनल शुड आल्सो इम्प्लाई द ड्यू डिलीजेंस व्हाइल अप्लाइंग फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट, कि हमको एग्जेम्पशन लेना है, कौन से केस में ITR भरनी है, उनका पर्पज क्या है, ये हमें भी ड्यू डिलीजेंस करना चाहिए लुकिंग टू द पोजिशन ऑफ आर क्लाइंट। सो हमारा क्लाइंट को आगे जाके कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि सर ने जैसे बताया कि कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट वन थिंग इज कि जो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड भी माना जा सकता है। एक्सेप्ट दिस, देर इज नो डिफरेंस, बोथ आर एट पार। अगर आपका चीजें बदलती भी है तो भी हमको क्लाइंट को उस हिसाब से एडवाइस करनी चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड थिंग दे हैव सेड, बिकॉज ही हैज सेड। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ, आई वुड लाइक टू ब्रीफली इंट्रोड्यूस आवर टुडेज स्पीकर। बहुत ब्रीफ, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अर्लियर ही वाज इन दुबई, तेज प्रकाश जी, अर्लियर ही वाज इन दुबई बट ही शिफ्टेड टू जयपुर एंड इज एक्सपर्ट, नोन एज एक्सपर्ट इन द ट्रस्ट एंड एनजीओ मैटर्स। लुकिंग टू द प्रॉब्लम्स इन द एनजीओ एंड ट्रस्ट, ही हैज चूजन दिस फील्ड एंड ही इज बिकेम द एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड। So we welcome our Tej Prakash Ji Agarwal as a speaker. Now I would request him to kindly address the audience. Please, Tej Prakash Ji. Thank you, sir. Sir. First of all, good evening to all of you. आज की इस वेबिनार के लिए मैं सबसे पहले हमारे RTCA के अध्यक्ष एडवोकेट विनय कुमार जोली साहब एवं RTCA के जनरल सेक्रेटरी सीए रतन गोयल जी सर एवं हमारे TCA के अध्यक्ष सीए मनीष अग्रवाल जी एवं TCA के सेक्रेटरी सीए अमित अग्रवाल जी, साथ ही साथ RTCA एवं TCA की संपूर्ण मैनेजमेंट टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा
जिन्होंने 3 दिवसीय ट्रस्ट एंड एनजीओ के संदर्भ में शानदार वेबिनार का आयोजन किया। साथ ही साथ मैं हमारे पूरे सेंट्रल काउंसिल एवं आरटीसीए के अध्यक्ष सी एस सतीश गुप्ता जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे मेरे नॉलेज को अपने प्रोफेशनल कलीग्स के साथ शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ITR 7। हेलो सर, मैं सबसे पहले बात आती है कि ITR 7 फाइल कौन कर सकता है। तो वो असेसी जो सेक्शन 139(4)A के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि रवाल सर ने आपको बताया कि चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट जो सेक्शन 11 और 12 का लाभ लिए बगैर जिनकी टैक्सेबल इनकम 2 लाख से अबो है, वो 139(4) के अंतर्गत रिटर्न फाइल करेंगे और ITR 7 के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें एक सवाल आता है अपने सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में। एग्जामिनेशन सेक्शन 8 कंपनीज को आपने अगर 12A में रजिस्टर्ड कर लिया है तो उस कैसे दशा में ITR 6 नहीं जाएगी, ITR 7 ही दाखिल करनी पड़ेगी और अकॉर्डिंगली आपको उसके फॉर्म्स और ITR+ ऑडिट का जो फॉर्म है वो चूज करना पड़ेगा। उसके बाद वो असेसी जो सेक्शन 139(4)B में आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, तो सेक्शन 13(a) का बिना बेनिफिट लिए अगर उनकी भी टैक्सेबल इनकम 2 लाख से अबो है तो ITR 7 दाखिल करेंगी। इसके बाद सेक्शन 10 में जो असेसी आते हैं, न्यूज एजेंसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा, उनको सेक्शन 10 का लाभ दिए बगैर अगर उनकी भी टैक्सेबल इनकम 2 लाख से अबो है तो 139(4)C के अंतर्गत अपने आप को ITR 7 दाखिल करेंगे। इसके बाद सेक्शन 139(4)D, सेक्शन 139(4)D में सेक्शन 35 में जो भी इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी आते हैं उनको सेक्शन 35 के अंतर्गत 139(4)D में ITR 7 करनी होगी। बट हाँ आजकल बिल्कुल बने इसके बाद बने कर स्ट्रक्चर देखते हैं ITR 7 का कि ITR 7 बनी कैसे। सबसे पहले अपन ITR 7 को 2 भागों में 30 शेड्यूल में बांटा गया। पहले 23 शेड्यूल्स होती थी, अब बढ़ा के गवर्नमेंट ने 30 शेड्यूल्स कर दी हैं और अपन जिसमें इनमें कोई महत्वपूर्ण शेड्यूल्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन पार्ट A तो आपका बताता है जनरल इंफॉर्मेशन एंड पार्ट B जिसमें आपकी टैक्सेशन की कंप्यूटेशंस और चार्जेबिलिटी शो की जाती है। अब अपन पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या भरना है, ये बेसिक है, ये तो अपन ने ऑडिट में भी भरा है। नेम, पैन, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, स्टेटस। स्टेटस पे आपको सेक्शन 8 में जाके यहाँ पे आपको कंपनी की जगह स्टेटस चेंज करना होगा। यहाँ पे AOP ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक आप ITR 7 दाखिल नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे स्टेटस उसका चेंज करना मैंडेटरी है। अब आता सब स्टेटस। अगर आपने AOP का स्टेटस लिया है और अदर देन आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860 के अलावा है तो यहाँ चूज की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी आपको, तो सब स्टेटस आपको लेना है। उसके बाद आप कौन सी सेक्शंस में अपनी ITR फाइल कर रहे हैं, 139(4)A में, 139(4)B, 139(4)C, 139(4)D, अकॉर्डिंगली करेक्ट आपको टिक करना पड़ेगा कि जो भी सेक्शन आपके एप्लीकेबल है उसी को आप टिक करते हुए ITR को फिल करें। अब साथ ही साथ जैसे ही आप इसको टिक करेंगे तो आपको एग्जम्पशन क्लेम के लिए एक ड्रॉप डाउन का बॉक्स खुलेगा,
आपको सेक्शंस पूछेगा कि आप कौन से सेक्शंस का लाभ लेना चाहते हैं। जैसे आप 12A में 139(4)A आपने सेलेक्ट करा, आपने रजिस्टर्ड है आप 12A में, तो आपको वहां सेलेक्ट करना होगा सेक्शन 11 का अपने को लाभ चाहिए। इसके बाद वेदर एनी प्रोजेक्ट डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन अप्रूवल अंडर इनकम टैक्स, कि आपने इनकम टैक्स में जो जो रजिस्ट्रेशन लिए हैं उनकी डिटेल्स आपको फिल करनी है, मैंडेटरी है। लास्ट ईयर आपने जब 31 मार्च 2022 की आईटीआर दाखिल करी थी, उस टाइम कई प्रोफेशनल्स ने इसमें बड़ी मिस्टेक्स करी, 143(1) के नोटिस आए कि उन्होंने ठीक से URN फिल नहीं करा था। ये बड़ा मैंडेटरी पार्ट है, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए। तो ये आपको ये कॉलम मिलेगा, इसमें जैसे आपको कौन सी सेक्शंस में आप रजिस्टर्ड हैं, कि सेक्शन 12A में रजिस्टर्ड हैं तो आप अपना 12A चूज करें, और आपका रजिस्ट्रेशन की डेट क्या थी वो डेट आप यहाँ लिखें, और ये जो 15 डिजिट का जो URN है ये आपको 10AC के ऑर्डर और 10AD के ऑर्डर से मिलेगा। बट अब तो क्या 10AD का ऑर्डर भी आना चालू हो गया ना इस असेसमेंट ईयर में, तो अपने को 10AD का ऑर्डर भी देखने को मिलेगा। तो आपको 15 डिजिट का जो URN है वो 10AC और 10AD इन दोनों ऑर्डर से आपको लेना है। और एक चीज सबसे बड़ी है, डेट फ्रॉम विथ द रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्रूवल इज इफेक्टिव। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में आप 12A के केस में तो जब भी फाइनेंशियल ईयर अपना स्टार्ट हुआ है वहां से फिल करेंगे। जैसे इसमें मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है 1/4/2021, तो इसको अपने वो करना 1/4/22, 1/4/22 से अपना ऑर्डर इफेक्टिव होता है। अगर आपको ATG की डिटेल देना तो वो डेट भर फिल करनी, डेट फिल करनी। आप अब डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन दर देन इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स के एक्ट के अलावा आपके कहाँ कहाँ आप रजिस्टर्ड है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे ये आपको एक कॉलम वाइज डिटेल्स यहाँ फिल करनी है, जैसे आप FCRA में रजिस्टर्ड हैं, FCRA में रजिस्टर्ड है तो आप प्रोविजनल रजिस्टर्ड हैं तो वो लिखना है, क्या प्रोविजनली रजिस्टर्ड है, क्या नंबर रहा है, क्या अप्रूवल है, कौन सी अथॉरिटी ने आपको अप्रूव किया है, और क्या इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहा है। ऐसे ही आप नीति आयोग की बात करेंगे तो वहां दर्पण पोर्टल से आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी। सेकेंड पार्ट में अपन आते हैं फाइलिंग स्टेटस। फाइलिंग स्टेटस में अभी अपन 139(1) चूज करेंगे क्योंकि ऑन और बिफोर द ड्यू डेट है, क्योंकि अभी अपने पास 30 नवंबर से पहले पहले अपन ITR 7 फिल कर सकते हैं, और आफ्टर दी 30 नवंबर आफ्टर ड्यू डेट और 31 दिसंबर से पहले आप रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं। और ये है मॉडिफाइड रिटर्न। मॉडिफाइड रिटर्न के केस में जब भी आपने कोई एडवांस रूलिंग ली होगी, एडवांस रूलिंग के केस में आपको 192CD में मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और ये है 192B आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले। आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले वो मैटर्स हैं जिनकी डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न जा चुकी है। जैसे पुराने आपको असेसमेंट ईयर्स की रिटर्न दाखिल करनी है, उस दशा में जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर के यहाँ कंडोनेशन ऑफ डिले फाइलिंग की अप्लीकेशन की जाती है। उसके बाद वो वहाँ से कोई ऑर्डर देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो ऑर्डर है ऑर्डर के नंबर वगैरह फिल किए जाएंगे 119(2)B की रिटर्न। इसके बाद अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में आपके पास आएगा कि ये जो अदर डिटेल्स वाला जो आप कॉलम देख रहे हैं, ये कॉलम आपको ऑडिट रिपोर्ट में भी है कि आपने वेयर इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूशंस रन बाय यू वन ऑफ द चैरिटेबल पर्पस इज एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव जनरल पब्लिक देन प्रोवाइड दी डिटेल्स। आपके जैसे सेक्शन 215 में चैरिटेबल पर्पस को डिफाइन किया गया है, उसके सातवें लिम्स एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी तो है, और आपने 20% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट से ज्यादा अमाउंट इसमें लिया है, तो वो सारा आपको इस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे आपको यहाँ वो डिटेल जनरल ऑब्जेक्ट करते हुए इसको पूरा फिल कर।
If there is any change in the objects activity during the year on the basis of these approval registrations was granted, क्या है कि आपको जो ट्वेल्व का जो रजिस्ट्रेशन दिया है और संस्था ने अपने ऑब्जेक्ट्स में कोई चेंजमेंट कर लिया, चेंजमेंट कर लिया, चेंजमेंट की दशा में क्या होता है कि 30 दिन के अंदर अंदर जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर को वहां री अप्लाई अपने रजिस्ट्रेशन के लिए करना होता है। अगर ऐसी दशा में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप ऐसा माना जाएगा कि आपके पास ट्वेल्व नहीं है, और अगर आपको अप्रूवल मिला है ऐसा कुछ आपने किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ आप फिल करेंगे, क्या अप्रूवल नंबर थे, क्या रजिस्ट्रेशन थे वगैरह वगैरह, तो भी डिटेल्स वो आप यहाँ फिल करें। इसके बाद ऑडिट इंफॉर्मेशन, ऑडिट इंफॉर्मेशन में आप जैसे कल के अपने वेबिनार में मुकेश जी सर ने बताया आपको ऑडिट के बारे में कि इस बार फॉर्म्स 10B 10BB बड़े ही जजमेंट वाले रहे हैं, तो उनकी डिटेल्स ने को आईटीआर में कैसे डालनी है, ये ऑडिट इंफॉर्मेशन वाला पैरा है, यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। इन केस एन एसएससी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट ऑफ ऑडिट अंडर सेक्शंस, जो भी जिस भी सेक्शंस में आपकी ऑडिट हुई है वो सेक्शंस आप प्रॉपरली चूज करेंगे और आप यहाँ उसको फिल करेंगे, जैसे आपको टिक करने हैं आर यू लाइबल टू ऑडिट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो यस और नो, और फिर आपको सेक्शंस चूज करना है, सेक्शंस के बाद आपको डेट और ऑडिटर का नाम, मेंबरशिप, नेम ऑफ द फॉर्म, पैन नंबर, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और डेट ऑफ फर्निशिंग द ऑडिट रिपोर्ट। कई बार क्या करते हैं हमारे प्रोफेशनल कलीग्स, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अभी जैसे 30 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर है, तो वो क्या करते हैं कि इसको डेट ऑफ फर्निशिंग है वो नवंबर में ले जाते हैं, तो अपने ऑडिट वाले पैरा में लिखा है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड डेट ऑफ फर्निशिंग द ऑडिट रिपोर्ट शुड बी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द ऑडिट, ऑडिट की डेट से पहले ही ऑब्टेन भी होनी चाहिए, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको, ऑप्टेन और फर्निश ये दो कॉन्सेप्ट आप बराबर में रखिएगा। इसके बाद आती है मेंबर्स इंफॉर्मेशन, मेंबर्स इंफॉर्मेशन में ये तो बेसिक जो अपने ऑथर्स हैं, फाउंडर्स हैं, ट्रस्टी हैं, उनकी अपने को डिटेल्स फिल करनी है, उनका नाम क्या है, रिलेशंस क्या है, क्या होल्डिंग रखते हैं, रेजिडेंट क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार, पैन, ये बेसिक डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इंडिविजुअल केस सेक्शन 8 की कंपनी के रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 8 में ही बॉडी कॉर्पोरेट है वो मेंबर बन सकती है भाई, और उन्होंने 5% से ज्यादा होल्डिंग ले रखी है किसी भी नहीं, इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल वाली डिटेल्स तो ऊपर आ जाएंगी, और अदर देन इंडिविजुअल्स की है जिन्होंने 5% से ऊपर होल्डिंग ले रखी है वो डिटेल्स यहाँ जुड़ना, नेम, वेदर रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आईडी कोड, वो सेम ऊपर वाली ही है, परसेंटेज बेनिफिशियरी ऑनरशिप। इसके बाद अपने आईटीआर 7 के शेड्यूल्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे, शेड्यूल्स, तो शेड्यूल्स 30 शेड्यूल्स इसमें हैं, तो शेड्यूल्स से पहले जाने से पहले अपन कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में देखते हैं, जैसे आप अक्यूमुलेशंस के बारे में देखते हैं, अक्यूमुलेशंस में 3 प्रकार के अक्यूमुलेशंस हैं, तो फर्स्ट जो अपन 15% वाली अक्यूमुलेशंस कर सकते हैं, इसको अप्लाइड के लिए कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, आप इन्फिनिटी तक इसको रख सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अपने कुछ को अप्लाइड करना मैंडेटरी है। सेकेंड वो एप्लीकेशंस इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एबल टू अप्लाई 85% ऑफ इट्स इनकम इन ए पर्टिकुलर ईयर देन इट कैन ऑल्सो अक्यूमुलेट द इनकम इन एक्सेस ऑफ 15% ऑफ इनकम, सच एक्सेस अक्यूमुलेशंस हैज टू बी यूज फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पजेज विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ और इन द ईयर ऑफ रिसीट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 11(1). ये वो केसेस है, ये वो अक्यूमुलेशंस है,
कई बार क्या होता है कि या तो अपने पास वॉलेंट्री जो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है वो क्या है, लास्ट डे पे आता है, मार्च के एंडिंग पे आता है, तो अपने लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, संस्था के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता इसको अप्लाई कर, उस केस के लिए अपने को फॉर्म 9 ये लॉन्च करना, फॉर्म 9। फॉर्म 9 ने किस प्रकार के अक्यूमुलेशन के मैटर्स को देखा है, तो इसमें आपको अक्यूमुलेशन करना है ताकि इस साल आप डीम्ड अप्लीकेशन मान लें। जैसे आप एग्जाम्पल से समझेंगे, इफ द इनकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज ₹10 लाख, आप संस्था की इनकम है वो ₹10 लाख है और एक्चुअल यूटिलाइजेशन है वो है ₹5 लाख, इस दशा में अगर आप 15% की बात करेंगे तो 1.5 लाख की तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, 15% अक्यूमुलेटेड कर सकते हैं, इसका इन्फिनिटी तक आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आपका 5 लाख के लिए खर्चा हुआ और 1.5 लाख में कोई इश्यू नहीं है, अच्छा 3.5 लाख, 3.5 लाख रुपए को आप क्या करेंगे, एक्यूमुलेट कर नेक्स्ट 12 बाय फाइलिंग द फॉर्म। एक्यूमुलेशन फॉर 1 ईयर इज नॉर्मली डन व्हेन द इनकम इज रिसीव टुवर्ड द एंड ऑफ द ईयर एंड यूटिलाइजेशन इज नॉट सिग्नल। फॉर्म 9 में के केस में कि जो यूटिलाइजेशन है वो नेक्स्ट ईयर में होना मैंडेटरी हो, या तो आपको कई केसेस आप देखेंगे फॉर्म 9 से रिलेटेड, उसमें क्या है अक्रूअल तो हो जाती है इनकम इस साल में लेकिन रिसीव नहीं हुई, रिसीव नहीं हुई उस केस में क्या है कि जिस साल भी अपने को रिसीव हुई नेक्स्ट ईयर में आप उसको अप्लाई कर देंगे, एंड एक्यूमुलेशंस अंडर दिस प्रोविजन इज आल्सो पॉसिबल इफ इनकम इज नॉट अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। एग्जाम्पल आपका है बैंक अकाउंट आर अटैच्ड बाई अथॉरिटीज, हमारे लिए कैसे पॉसिबल होगा कि हम यूटिलाइजेशन कर लें, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट ही अथॉरिटी ने क्या कर दिया अटैच कर दिया। इसके बाद अपन थर्ड आते हैं, क्योंकि उसमें क्या है 55% एक्सपेंडिचर हो नहीं पाया, कि किसी न किसी कारणवश नहीं हो पाया, दशा में आप जितना भी अप्लाइड पार्ट नहीं हो पाए 15% से ऊपर वाले, उसके लिए फॉर्म 10 अगले 5 साल में यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टू अप्लाई 85% ऑफ इट्स इनकम इन ए पर्टिकुलर ईयर देन इट कैन ऑल्सो अक्यूमुलेट इन एक्सेस ऑफ 15% ऑफ इनकम, सच एक्सेस ऑफ अक्यूमुलेशंस हैज टू बी यूज्ड फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पजेस विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल है, जैसे 10 लाख था, 5 लाख आपने यूटिलाइज कर लिया, 1.5 लाख की समस्या नहीं, इन्फिनिटी तक जा सकता है, जो 3.5 लाख रुपए है उसको आप 5 साल में यूटिलाइज कर सकते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म 10। इसमें फॉर्म 9 और फॉर्म 10 में कोई आपको थोड़ा सा ही डिफरेंस है, कोई मेजर डिफरेंस इन दोनों में है नहीं है, ठीक है, लेकिन अपन क्या है बेसिकली फॉर्म 10 ज्यादा प्रिफर करते हैं, फॉर्म 10 लोड्स ज्यादा। अब आप आएंगे शेड्यूल्स पे, शेड्यूल्स और रिटर्न फॉर्म, जो जो शेड्यूल्स हैं इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स हैं उसको अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे शेड्यूल आई है, तो शेड्यूल आई में जैसे अपन ने अभी डिस्कस करा, इट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ अमाउंट एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 11(2) और इन टर्म्स ऑफ थर्ड प्रोविजन टू सेक्शन 10(23C), डिटेल्स इंफॉर्मेशन हैज टू बी फिल्ड। ये फॉर्म 10 वाली जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, कि जो जो डिटेल्स फॉर्म 10 में जाती हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको ये फिल करना है। जैसे ये है शेड्यूल आई का, आप देखेंगे फॉर्म 87 में तो शेड्यूल आई है, तो उसमें आपको लिखा है कि आपने किस साल में अक्यूमुलेशन किए, जैसे 2022-23 में हमने अक्यूमुलेशन करा, अमाउंट अक्यूमुलेटेड इन द ईयर ऑफ अक्यूमुलेशन कि आपने कितना अमाउंट का अक्यूमुलेशन किया, भाई इतना जो था वो मेरा 15% से अब होता और ये मेरा खर्चा हो नहीं पाया, और पर्पज ऑफ अक्यूमुलेशन क्या रहेगा, आपका चैरिटेबल फंड रहेगा क्या रहेगा, वो आप पर्पज ऑफ अक्यूमुलेशन इसमें देखेंगे और उसी पर्पज के लिए आप उसको खर्च कीजिए। फिर है अमाउंट अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पब्लिक रिलीजियस सांस्कृतिक सोशल सांस्कृतिक
साइंस और स्टैटिक रिसर्च अप टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, कि आपने कितना अगर प्रीवियस ईयर पीछे से अगर कोई ऐसा अक्यूमुलेशन चलता आ रहा है उसमें से आपने इस साल में कितना खर्च किया, तो फिर आपने जो बैलेंस पार्ट बचेगा। और अगर कोई ऐसा हो गया कि आपने जिस पर्पज के लिए अक्यूमुलेटेड करा था और वो पर्पज आपका डिफिट हो गया, तो आप उस असेसमेंट ईयर में कुछ टैक्सेशन आपने दिए हैं तो कितने अमाउंट के लिए है वो अमाउंट यहाँ भरा जाएगा, और बचा हुआ अवेलेबल बैलेंस है जो अप्लाइड होना है उसका बैलेंस यहाँ आएगा। उसके बाद अमाउंट अप्लाइड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस और साइंटिफिक पर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आउट ऑफ द प्रीवियस ईयर अक्यूमुलेशंस, ये सारी डिटेल्स फॉर्म 10 से रिलेटेड हैं, जो आपके फॉर्म 10 में आपने जो भरी है उसका ये सारा रिमार्क है। आपको जब भी आपने फॉर्म 10 भरे हैं तो 5 साल के फॉर्म 10 का ब्यौरा आपको एकदम मिला जुला के कर, जैसे आपका ये लिखा है कि आपका जो बैलेंस है वो 11-5 में जो मोड बताए हैं इसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है नहीं कर रखा है भाई, अदर देन 11-5 के कौन कौन से हैं वो लिखेंगे, और इनकम वाला पार्ट है कि 11th वीक में कि कितनी डीम्ड टू बी इनकम मान ली जाए कि आपने जो करना था वैसा नहीं किया उस वजह से आपकी इनकम फेल, तो ये आपको ये देखना है शेड्यूल आई में, शेड्यूल आई रिलेटेड टू फॉर्म। हाँ ये है अपनी शेड्यूल डी, ये है डिटेल ऑफ डीम्ड एप्लीकेशंस ऑफ इनकम एंड क्लोज टू ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 टू सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 11। ये जो डिटेल्स है शेड्यूल डी की डिटेल्स है वो फॉर्म 9A से रिलेटेड डिटेल्स है, जैसा कि मैंने अभी आपको फॉर्म 9A से रिलेटेड मैटर में बताया कि ये है कि ऑर्गेनाइजेशन हैज एन ऑप्शन टू अनम्यूट सच इनकम इन द क्यों नहीं हो लीगल रहा है इसमें एंटिटी। चार मेरा अनम्यूट क्यों नहीं हो ऑर्गेनाइजेशन हैज रहा एन ऑप्शन टू सच इनकम इन द ईयर ऑफ रिसीट और इन द ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द ईयर ऑफ अक्रूअल ऑफ इनकम इन सच ए केस द देसी हैज टू फर्निश द डिटेल इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म 9A से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो शेड्यूल डी में फिल करिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जैसे बैंक अकाउंट अटैच हो गए थे या फिर किसी कारणवश आपके पास फंड आया वो लेट आया मार्च के महीने में है, तो आप उस वजह से आपका एप्लीकेशंस 85% एप्लीकेशंस नहीं दे पाए, तो इस साल के डीम्ड एप्लीकेशंस मानने के लिए आपको फॉर्म 9A क्लोज करना है, उसके लिए शेड्यूल डी आपको फिल करनी है। तो शेड्यूल डी में जैसे ईयर इनकम इज डीम्ड टू बी अप्लाई कि कौन सा साल आपको फाइनेंशियल ईयर चूज करना है, वही जो अपन ने पीछे शेड्यूल में देखा था सेम और लेस वही डिटेल्स इसमें है, अमाउंट डीम्ड टू बी अप्लाई ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर, तो यहाँ लिखना है द रीजन ऑफ डीमिंग क्या कारण रहा कि अपने को इनकम को डीम्ड मानना पड़ रहा उसका क्या कारण रहा, आउट ऑफ द डीम्ड एप्लीकेशंस क्लेम्ड ए क्लेम्ड अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड कितना अमाउंट अप्लाइड होना है, और अमाउंट टैक्स इन क्लियर असेस अगर पीछे इससे पहले की फाइनेंशियल ईयर में अपने डीम्ड एप्लीकेशन लिए थी और उसको जैसे आपको रिसीव्ड नहीं हुआ, मैंने बताया जैसे रिसीव्ड होने के अगले साल आपको उसका एप्लीकेशन करना है, तो वो उस केस में अगर टैक्स हुआ है अमाउंट तो वो कितने अमाउंट पर टैक्स हुआ वो लिखना है, उसके बाद आपका आउट ऑफ डीम्ड एप्लीकेशन क्लेम अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर पर्टेनिंग टू इस फाइनेंशियल ईयर में आपको पता चल जाएगा कि मेरे को इतना अप्लाइड करना आवाज अमाउंट दे ऑफ रहा है डीम्ड अमाउंट ऑफ डीम्ड एप्लीकेशन अमाउंट ऑफ डीम्ड एप्लीकेशन क्लेम्ड इन अर्लियर ईयर अप्लाइड ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल पर्टेनिंग टू करंट असेसमेंट, ये डिटेल सारी की सारी शेड्यूल जैसे आप इसमें देखो पढ़ने पे कुछ नहीं पता चल रहा, एक्चुअली क्या है जब तक आप फॉर्म 9A और फॉर्म 10 के डाटा आपके पास नहीं होंगे तब तक ये डिटेल्स आपके लिए ऐसे ही मतलब रहेंगी, क्योंकि अगर डाटा रहेगा तो अपन फिल कर सकते हैं इस चीज को देखते हुए, क्योंकि फॉर्म सारी डिटेल जो आपने वहां पे फिल करी वो की वो डिटेल्स यहाँ पे फिल कर।
एक शेड्यूल अपनी ये है, तो इस शेड्यूल में अपने को शेड्यूल अपनी जे शेड्यूल जे शेड्यूल जे बोलती है स्टेटमेंट शोइंग द फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट कैश ऑन द लास्ट डे ऑफ द डिक्लेरेशन, कि आपके फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स के डिटेल्स 31 मार्च 2023 की जो भी डिटेल्स वही हैं वो आपको यहाँ पे शेड्यूल जे में फुलफिल करना है। शेड्यूल जे में जो पहला पार्ट है डिटेल्स ऑफ कॉर्पस, कॉर्पस की डिटेल्स यहाँ फिल करनी है आपको। कॉर्पस कॉर्पस में भी जैसे आपकी कॉर्पस डोनेशंस को आप देखेंगे तो यहाँ पहला है रिप्रेजेंटिंग डोनेशंस रिसीव्ड फॉर द रिनोवेशन और रिपेयर ऑफ पॉलिसीज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 83G टू बी ऑन और बिफोर आफ्टर 1/4/2020। इस इनमें जो कॉर्पस वाला पार्ट है ये क्या है, जो नोटिफाइड करे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा 83G 2B1 जो भी इंस्टीट्यूट है उनके लिए नोटिफाइड है, तो नोटिफाइड है तो इसी दशा में उनके जो कॉर्पस के जो बैलेंसेज है वो यहाँ लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस क्या रहा 1/4/2022 को और रिश्यू और या फिर आपने ट्रीट करा कॉर्पस को ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो भी आपके वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस आए उनमें से कॉर्पस या कितने कॉर्पस रहे तो वो यहाँ आप लिखेंगे, और उसमें से आपने अप्लाइड कितना कर दिया और अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड बैक इनटू द कॉर्पस व्हिच वाज अर्लियर अप्लाइड एंड नॉट पे अंडर द एप्लीकेशन। कि कॉर्पस वालों में क्या है कि कॉर्पस में पीछे अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट क्या आया था कि अमेंडमेंट आया था कॉर्पस की, अपने पास कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन में फंड का शॉर्टफॉल हो जाता है, फंड का शॉर्टफॉल होने की दशा में ऐसी दशा में इंस्टीट्यूट कॉर्पस से कुछ अमाउंट निकाल लेता है, कॉर्पस से निकाल के एक्सपेंडिचर करो, तो जिस साल कॉर्पस से निकाल के आपने एक्सपेंडिचर करा उस साल एप्लीकेशंस नहीं माना जाएगी, और फिर आपने री अगेन उसको वापस अगर कॉर्पस में जमा कर दिया उस साल में आपका एप्लीकेशंस ट्रीट कर देगा, वही डिटेल्स आपको यहाँ लिखनी है, अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड बैक इनटू द कॉर्पस व्हिच वाज अर्लियर अप्लाइड एंड नॉट क्लेम्ड एज, वो डिटेल्स आपको याद रखनी है, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड बैक इनटू द, ये आपको लिखनी है। फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच वाज अप्लाइड अर्लियर, वो फाइनेंशियल ईयर किस फाइनेंशियल ईयर में आपने करा था, जिस साल अपने पास शॉर्टफॉल रहा था उस फाइनेंशियल ईयर के लिए याद रखनी है, और क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 दिन 2023 को जो भी क्लोजिंग बैलेंस कॉर्पस पार्ट का रहे वो आपको करना है, साथ ही साथ आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्टमेंट हुआ तो वो डिटेल यहाँ फिल करेंगे, और अगर आपने नहीं करा 11/5 वाले मोड में तो यहाँ फिल करेंगे, तो और अगर कुछ अमाउंट पे अगर आपके टैक्स लगा कॉर्पस वाले पार्ट के तो वो यहाँ लगे लिखेंगे, तो बैलेंस पार्ट यहाँ लगे। अपने केसेज में ज्यादातर ये जो कॉर्पस वाला आता है अदर देन वन एंड सेकेंड ग्रुप, आपको यहाँ फिल करने हैं जो बेसिक इंस्टीट्यूशन को चैरिटेबल वाले होते हैं वो उनको यहाँ करने, ये जो दो पार्ट है वो बेसिकली गवर्नमेंट नोटिफाइड होते हैं हेलो, उनके लिए अपन यहाँ पे क्लियर नहीं, जयपुर नहीं करते आया हैं, हुआ, जुड़ी नहीं हूँ। गवर्नमेंट नोटिफाइड है उनके लिए नहीं यहाँ नहीं मेरा और अदर देन हाथ तो गवर्नमेंट नहीं आने का नोटिफाइड था, है उनके कॉर्पस के लिए यहाँ डिटेल है फिल करो। मेरा सीकर जाने का था। इसके बाद आपकी डिटेल्स लोन्स एंड बोरोइंग्स की आनी है, वो आपके ओपनिंग बैलेंस आपके लोन्स एंड बोरोइंग्स की जा रही वो आप यहाँ फिल करेंगे, उसके बाद लोन्स एंड बोरोइंग्स टेकन फॉर दी एप्लीकेशन टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द ईयर, तो सेम अमेंडमेंट्स लोन्स एंड बोरोइंग के केस में भी आया, तो लोन्स एंड बोरोइंग्स के केस में अमेंडमेंट क्या रहा, लोन्स एंड बोरोइंग के केस में अमेंडमेंट रहा कि वही केस कि किसी साल अपना एक्सपेंडिचर के लिए शॉर्टफॉल रहा तो हमने किसी से लोन एंड बोरोइंग लेकर
एक्सपेंडिचर कर दिए, तो उस दशा में जिस साल अपन ने लोन एंड बोरिंग लिए, उस लोन एंड बोरिंग लिए उस वर्ष में उस अमाउंट को फ्लैट नहीं माना, जब तक कि वो लोन्स एंड बोरिंग्स पे नहीं, जिस साल में आपने पे करा उस साल में फ्लैट माना जाए। तो ओपनिंग बैलेंस लोन्स एंड बोरिंग्स टेकन फॉर एप्लीकेशन टूवर्ड दी ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द ईयर, आपने अगर साल भी ऐसा करा है, लोन एंड बोरिंग लिए हैं, इस साल भी अपना सोर्सफुल रहा है, तो वो फिगर यहाँ आएगा। ये है वो चीज, अप्लाइड फॉर दी ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द ईयर, ये अप्लाइड हो गया। और लोन और बोरिंग ड्यूरिंग ईयर विच वॉज अर्लियर अप्लाइड एंड नॉट क्लेम्ड एज एप्लीकेशन, वो फिगर यहाँ है कि आपका जो मैंने बताया अमेंडमेंट वाला फिगर वो यहाँ आएगा। और फाइनेंशियल ईयर इन विच फॉर वाज अप्लाइड, तो पीछे का जो वो फाइनेंशियल ईयर वो जिसमें आपका शॉर्टफॉल रहा वो यहाँ पे आएगा, और आपने कितना रिपेमेंट कर दिया है लोन, वो डिटेल्स यहाँ है, बैलेंस लोन अकाउंट का। इसके बाद इन्होंने बताया कि डिटेल्स आपके कॉर्पस कॉर्पस इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स मेड इन सेक्शन 11(5) एज ऑन द 31 मार्च 2023, कॉर्पस रिप्रेजेंटिंग डोनेशंस रिसीव्ड फॉर द रिनोवेशन और रिपेयर ऑफ प्लेसेस नोटिफाइड एंड सेक्शन एलिजिबल ऑन फॉर रिचार्ज। बोलो, जो अपन ने ऊपर देखा जो गवर्नमेंट नोटिफाइड रिलीजियस के केसेस को देखने के बारे में, तो उनका मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मोड 11(5) का क्या रहा और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। सेम ये ऑनर आफ्टर एचआर 2021 के बाद किसकी है, तो उनके क्या रहा, अपने जो केसेस रहेंगे वो अदर देन वन एंड सेकेंड अकाउंट, इसमें आपको और जो आपके कॉर्पस कॉर्पस को आपने कैसे इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो मोड आपको यहाँ से, हर अमाउंट तो यहाँ निकलना, अपने बैंक अकाउंट में डाल रखा है अकाउंट, अदरवाइज जो भी आपने रख रखा है उसको यहाँ पे ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट हेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कंसर्न्स इन विच पर्संस रेफर्ड तो इन सेक्शन 13(3) हैव ए सब्सटेंशियल इन कि ये 13(3) स्पेसिफाइड पर्संस आते हैं, और उन्होंने स्पेसिफाइड पर्संस आते हैं और कोई कंसर्न्स हैं जिनमें वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं और उसमें अपन इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ अपने को फिल करनी है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंसर्न, वेयर द कंसर्न इज ए कंपनी, अगर कंपनी है तो उसको कंपनी आपको टिक करना है कंपनी में, फिर आपने कितने शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स है, आपने कितने उसके शेयर्स ले रखे हैं और कौन सी क्लास के शेयर्स ले रखे हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, नॉमिनल वैल्यू क्या रही है इन्वेस्टमेंट की, इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्या इनकम भी है, और साथ ही साथ वेदर द अमाउंट इन कॉलम 6 एक्सेड्स 5% ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंसर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर 5% से ऊपर आपकी कैपिटल को क्रॉस कर जाती है, 6 में आपने लिखा है नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो आपने इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू है, अगर वो 5% कैपिटल या 5% से क्रॉस कर जाती है तो उसको वहाँ डिस्कस। इसके बाद इसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट इज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस, अगर इन्वेस्टमेंट है आपके लास्ट डे पे 23 पे, तो फुल डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंसर्न क्या है उसका, नेम एड्रेस क्योंकि वही सेम डिटेल्स ये है, तो मतलब वो क्या है सब्सटेंशियल सब्सटेंशियल जिसमें इंटरेस्ट रखते थे स्पेसिफिक परसेंट उसकी डिटेल्स थी, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें जो अदर इन्वेस्टमेंट है उनसे रिलेटेड कुछ, तो जैसे नेम एड्रेस ऑफ कंसर्न है, कंपनी है, इंटरनेट कितने शेयर्स होल्ड कर रखते हैं, और नंबर ऑफ और नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सब डिटेल्स अपने को फिल कर, साथ ही साथ
इसके बाद वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस डोनेशंस रिसीव्ड इन काइंड, अगर आपने जो डोनेशंस काइंड में किए हैं बट नॉट कन्वर्टेड इन इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड मोड 11 5 की दिन का टाइम प्रोवाइडेड, तो उसमें ये डिटेल्स आपको, जैसे आपको काइंड में कोई आपको डोनेशन मिला तो उसकी डिटेल्स आपको कि नेम ऑफ डोनर क्या था, इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या थी, वैल्यू फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये आपको यहाँ पे फिल करना है। ये एक आपके पास जो आप देखेंगे पार्ट ए में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31st डे ऑफ मार्च 2023, ये जो है कि ये तो जो बैलेंस शीट के फिगर है ये आप देखोगे तो ये अपने को फिल करना, ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट के फिगर, कई बार क्या है कि आपके जो आप सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं वो आपको एरर नहीं देगा, तो ये ऐसा मत मानिएगा कि अपन सही कर रहे हैं। उस दशा में आपको क्या बैलेंस शीट वाले फिगर्स है, बैलेंस शीट डेफिनेटली आपको फिल करनी है। बैलेंस शीट जो ये है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31st डे ऑफ मार्च 2023, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट के फिगर आपको भरना है, आपका ऑन फंड कितना था, वही कॉर्पस की डिटेल। तो आपने कॉर्पस वाला तो मैटर देखेंगे तो आप ऑडिट रिपोर्ट में भी सेम है और यहाँ भी सेम है, और इनकम अक्यूमुलेटेड अंडर द थर्ड प्रोविजन और 11(2) का और बैलेंस अमाउंट ऑफ डीम्ड बीइंग कंजम्पशन क्लेम इन अर्ली रकम ऑफ डीम्ड रिक्वायर्ड टू फाइनेंशियल एनी अदर रिजर्व। ये बैलेंस शीट्स के फिगर हैं ये अपने को भरने हैं, और साथ ही साथ बैलेंस शीट के फिगर, बड़ी वाइड बैलेंस शीट है लेकिन ये बैलेंस शीट है तो कोई फिल करे। अब ये आया है, इस बार आया है ये शेड्यूल आर आया है, इसमें क्या कर रहा है, रिकंसिलेशन ऑफ कॉर्पस ऑफ शेड्यूल जे एंड बैलेंस शीट। शेड्यूल जे आपने जो शेड्यूल जे फिल किया शेड्यूल जे और बैलेंस शीट, तो उनका आपको क्या करना है, रिकंसिलेशन करके बताना है कि आपका शेड्यूल जो था वो स्टेटमेंट शोइंग दी फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट वाला था, तो इसका एक रिकंसिलेशन आपको बना, जैसे इसको अपन ने इन्होंने नाम दिया शेड्यूल आर, रिकंसिलेशन ऑफ कॉर्पस शेड्यूल जे एंड बैलेंस। जैसे क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023 एज पर शेड्यूल जे, शेड्यूल जे के अकॉर्डिंग आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या था, वो जो नोटिफाइड थे उन वाला और 1/4/2020 से आफ्टर के और 1/4/2021 के बाद के, ये दोनों बहुत कम काम में आएंगे। कॉर्पस अदर देन ए एंड बी ये आपको मेजर केसेस में देखना है, ये आपको ध्यान देना है कि कॉर्पस को आपको रिकंसिलेशन माना है देखना है, तो रिकंसिलेशन का रीजन ऑफ डिफरेंस क्या रहेगा, या तो आपने कोई परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कर ली होगी, डेप्रिसिएशन का कारण भी रह सकता है, या फिर कोई अन्य कोई कारण रहा, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको मिसमैच को दूर करेंगे शेड्यूल जे और बैलेंस शीट में जो कॉर्पस आपको दिखेगा, क्योंकि तो उसमें कोई ना कोई डिफरेंस रहेगा, तो ये आप देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपने डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हो एसेट्स पे और आपने जब असेट्स को परचेज किया होगा उस साल भी आपने उसको अप्लाइड में ले लिया होगा और इस साल आप डेप्रिसिएशन तो डबल आपको अप्लीकेशंस नहीं मिल सकेगी, तो उस दशा में आप देखिएगा डेप्रिसिएशन परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स का एनी अदर कोई रीजन रहा है, इस हिसाब से आपको ये रिकंसिलेशन करना होगा शेड्यूल आर। तो इस बार ही अपने को शेड्यूल आर देखने को मिली है। वैसे नेक्स्ट शेड्यूल वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस को, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस
currency contributions to the field by all persons filing ITR 7. ये ITR 7 जो भी फाइल कर रहे हैं उनको फिल करनी होगी. जैसे आपके इसको आप देखेंगे तो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन में दो या तीन तरीके से बांटा है शेड्यूल. सॉरी, पहले भी तो होती थी शेड्यूल, जैसे आपके डोमेस्टिक कॉन्ट्रीब्यूशन, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन और अनोमिनियस डोनेशन. ये जो आपको बांटे गए हैं इस हिसाब से बांटा गया. डोमेस्टिक में भी दो पार्ट, कॉर्पस नॉन कॉर्पस. जैसे कॉर्पस है तो कॉर्पस में जैसे कॉर्पस रिप्रेजेंटिंग डोनेशन रिसीव फॉर द रिनोवेशन और रिपेयर ऑफ पैलेसेज नोटिफाइड अंडर ATGB जो अपने को गवर्नमेंट ने जो नोटिफाइड करेंगे जो भी रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके जो कॉर्पस का जो अमाउंट रहा उन्होंने रिसीव करा इस साल वो डिटेल्स फिल करनी है. और कॉर्पस अदर देन अब ऊपर वालों के अलावा जो कॉर्पस अगर इस साल आपको रिसीव्ड हुआ और डोमेस्टिक कॉर्पस है तो वो डिटेल्स आप यहाँ फिल करें. इसके बाद अगर आपके अदर देन कॉर्पस मतलब नॉन कॉर्पस डोनेशन रहेंगे, नॉन कॉर्पोरेट डोनेशन की आपको जैसे आपको किसी ग्रांट मिली, ग्रांट रिसीव्ड फॉर तो ग्रांट मिली तो ग्रांट अमाउंट यहाँ लिखेंगे. अगर आपको CSR मिली किसी कंपनी से तो CSR मिली तो उसकी डिटेल आप यहाँ फिल करें. साथ ही साथ किसी गवर्नमेंट या फिर अदर इंस्टीट्यूट ने आपको कोई अगर स्पेसिफिक ग्रांट दी है तो वो आप यहाँ फिल करें. आपके अगर जनरल डोनेशन रहे तो जनरल डोनेशन आपको यहाँ फिल करने हैं. तो मेजर केसेस में आपको ये देखने को मिलेगी. और ग्रांट्स आपको और राजस्थान में ज़्यादातर गौशालाओं में देखने को मिलेगी तो वो आपको यहाँ पे फिल करनी है. और CSR है तो किसी इंस्टीट्यूशन को अगर CSR मिली है तो वो आपको यहाँ पे फिल करनी है. ये पार्ट आपका निकल जाएगा वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन डोमेस्टिक. डोमेस्टिक अपने को इतना कॉन्ट्रीब्यूशन आया, ठीक है. इसके बाद अपन सेकेंडरी अपन आता फॉरेंसिक कॉन्ट्रीब्यूशन. फॉरेंसिक कॉन्ट्रीब्यूशन भी दो टाइप के अपने पास आएंगे, कॉर्पस और नॉन कॉर्पस. कॉर्पस जो अपने नोटिफाइड बाई गवर्नमेंट जो रिलीजियस रहे हैं इंस्टीट्यूशन उनके लिए कॉर्पस वाला डाटा. कॉर्पस अगर विदेश से आया है उनके लिए आया तो वो फिगर यहाँ. और कॉर्पस अदर देना वो तो उस दशा में आपके कॉर्पस यहाँ. और अदर देन कॉर्पस फंड डोनेशन अदर देन कॉर्पस फंड नॉन कॉर्पस, नॉन कॉर्पस का जो अमाउंट रहेगा वो आप यहाँ पे. इसके बाद आप जैसे आपका फॉरेन का कॉन्ट्रीब्यूशन आए हैं तो वो वहाँ पे स्पेसिफाई द पर्पज फॉर विद द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आपका क्या पर्पज था कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन इश्यू करने का वो डिटेल्स आपका. साथ ही साथ इसमें आप सेक्शन 115 BBC आगे इसकी शेड्यूल भी देखिए. लेकिन एनोमिनियस डोनेशन अगर रिसीव हुए हैं तो उनकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे फिल करें. तो एनोमिनियस डोनेशन की आगे शेड्यूल भी है लेकिन अपन चलो चर्चा करेंगे एनोमिनियस डोनेशन की. ये जो शेड्यूल्स है उसमें ये डाटा सारा फिल हो जाएगा. जैसे आपको एग्रीगेट ऑफ सच एनोमिनियस डोनेशन रिसीव आपके पास कितने अमाउंट एनोमिनियस डोनेशन के आए और आपके टोटल जो डोनेशन थे 5% अमाउंट और 1 लाख रुपए विच एवर इज हायर वो पार्ट अपना यहाँ निकल जाएगा. अगर यहाँ तक आता है तो वेल एंड डन, कोई चार्जेबिलिटी नहीं है. और अगर इसको अगर क्रॉस करता है तो 30% भी देता है एनोमिनियस डोनेशन आपका. इसकी अलग से सेपरेट शेड्यूल थी. ये जो शेड्यूल है शेड्यूल AI में जैसे आपने PC जो शेड्यूल थी PC उसमें अपने वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन की डिटेल फिल की. जहाँ पे जो आपको डिटेल फिल करनी है अदर देन वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या सोर्सेज रहे, इंस्टीट्यूशन के पास क्या सोर्स रहा इनकम का वो डिटेल जहाँ आपको फिल करनी है. इस शेड्यूल का नाम है शेड्यूल AI में आपको वो डिटेल्स फिल करनी है.
एग्रीगेट ऑफ द इनकम डिराइव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सक्लूडिंग वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, इंक्लूडिंग वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स जो अपने वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव की है, जो आपका शेड्यूल बीसी था तो उसमें जो डिटेल्स आपने की थी, उसके अलावा जो भी इनकम आपने डिराइव करी वो शेड्यूल ए आई फिल करनी है। जैसे आपके आपका कोई मेन ऑब्जेक्ट है उससे आपको कितनी इनकम रिसीव हुई, और इंसिडेंटल आपका ऑब्जेक्ट है तो वो आप यहाँ आपकी अगर रेंटल भी है तो रेंट कमीशन डिविडेंड इंटरेस्ट जो भी है जैसी भी आपकी, और नेट कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स जैसे आपके कैपिटल असेट्स का ट्रांसफर हुआ कितना कंसिडरेशन किसी नेट कंसिडरेशन वो आपको सर यहाँ फिल कर शेड्यूल है। ये आपकी दोनों शेड्यूल की वो इनकम रिलेटेड थी, शेड्यूल सी और शेड्यूल डी, इनसे आपके जो टोटल इनकम है वो निकल के आती है। तो शेड्यूल बी सी और शेड्यूल ए आई को बड़ी अच्छे ध्यान से इसको फिल करें आप। इसके बाद शेड्यूल ए, शेड्यूल ए न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है शेड्यूल, पहले शेड्यूल ई आर और शेड्यूल ई सी होती थी। जो ई आर शेड्यूल होती थी अपनी, तो शेड्यूल ई आर में तो अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ शो करते, और शेड्यूल ई सी थी उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ शो करते थे। लेकिन इस बार शेड्यूल ए, शेड्यूल ए इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसी में आपको टोटल डिटेल्स चाहे रेवेन्यू की बात करें चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें वो दोनों डिटेल्स अपने को इसी में शेड्यूल ए में फिल करने, दिस शेड्यूल इज प्रिपेयर्ड बाय द एसएससी प्लानिंग एजेंसी अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड सर आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। दिस शेड्यूल इज टू बी फाइल्ड बाय द एसएससी क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12 और अंडर सेक्शन 1023 सी। तो ये शेड्यूल आपको जो एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है उसके लिए आपको फिल करना है। एक्सपेंस की जो डिटेल आप पहले देते थे ईआर और ईसी में वो इस बार शेड्यूल ए में फिल कर, ये है शेड्यूल ए। तो शेड्यूल ए में आपको जैसे आप ईआर और ईसी में फिल करते थे और दोनों का मर्जिंग रूप यहाँ पे दिया गया है, जैसे एप्लीकेशन टूवर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, ये रेवेन्यू वाला पार्ट, ये कैपिटल पार्ट और टोटल। जैसे डोनेशन टू ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 बी और अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 1023 सी 4, 5, 6 और 6A अदर देन कॉर्पस। तो आपने अदर देन कॉर्पस भाई अगर आपने कॉर्पस से दिया होता तो आपको अप्लाइड नहीं होगा, और अदर देन कॉर्पस के केस में आप अप्लाइड मान सकते हैं नहीं कितना रेवेन्यू और कितना। और फिर आपने जिस भी ये जो चीज है तो रिलीजियस रिलीफ ऑफ पुअर एजुकेशन तो चैरिटेबल जो पर्पज यहाँ पे लिखे हैं इसको आपको देखते हुए आपका जो ऑब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड ही आपको एक्सपेंडिचर यहाँ फिल करना है। जो आपके ऑर्डर्स आप देखेंगे 10AC हुआ या 10AD हुआ तो वहाँ पे इससे रिलेटेड, जैसे 10AC की बात करो जो रिन्यूअल है या फिर आप प्रोविजनल वाला है वहाँ ऑर्डर पे कहीं भी नहीं मिले ये जो जो आपको मिला है उसका पर्पज क्या है। तो इसके लिए आपको जो फॉर्म आपने फिल करा था फॉर्म टेनिंग तो उसकी एक बार कॉपी लेनी पड़ेगी। उस कॉपी से आपको देखना पड़ेगा कि अपने इंस्टीट्यूशंस का ऑब्जेक्ट्स क्या था, तो ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे आप यहाँ उसी ऑब्जेक्ट्स में अपनी डिटेल फिल करें। ऐसा नहीं है कि आपको कोई रिलेटेड टू पुअर का मिला और आपने उसको अदर कोई सेगमेंट में मेडिकल रिलीफ में फिल कर दिया, जिस ऑब्जेक्ट्स पे आपको ऑर्डर मिला उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर फिल कर। और जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इस दशा में तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ होगा नहीं, अगर सेपरेट है तो उसमें अपने जैसे कोई नई एसेट्स आपने जैसे आप किसी ऐसे एक्सपेंस है जो आप सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन से इनमें क्लोजेज में जाएंगे, उस दशा में आपके रेवेन्यू में भी अगर ऐसी दिक्कत आती है कैपिटल में भी कोई समस्या आती है एक्सपेंडिचर में तो आप यहाँ उनको फिल करें। ये जो है कॉस्ट ऑफ न्यू असेट्स फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 बने एक्सेप्टेड टू द नेट, ये जो अपन ने पीछे देखा था कि जो कैपिटल असेट्स का ट्रांसफर हुआ है और कैपिटल असेट्स का ट्रांसफर हुआ है
और उसका जो नेट कंसिडरेशन था, तो नेट कंसिडरेशन था, तो आपने जो पीछे जो शेड्यूल गई उस शेड्यूल में आपने उसको लिया, तो उसी से रिलेटेड क्या कहा है कि आपने अगर नेट कंसिडरेशन को अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो वो यहाँ पे आपका आज कि आपने फिर से कोई कैपिटल एसेट्स को जनरेशन कर लिया है, तो उस दशा में ये 11 कॉलम में आप तो ये था। अब आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड एज एप्लीकेशन अदर देन एप्लीकेशन आउट ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स कि आपने कि किस किस अमाउंट को एप्लीकेशन से नहीं माना जाएगा। तो डोनेशंस टू ट्रस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12B और अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 1023C 4, 5, 6 और 6A 2 वर्ड्स पर। मैंने अभी आपको बताया था अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन से वेदर रजिस्टर्ड अंडर 12A और नॉट अगर आपने इसको पर्पस के रिगार्डिंग अगर डोनेशन दिया है तो वो उस पर आपको अप्लीकेशंस वो पार्ट अप्लीकेशंस नहीं माना। ऐसे ही डोनेशन टू और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A और अप्रूव्ड अंडर सेक्शन अदर देन टूवर्ड पर्पस इन केस ऑफ डोनेशन आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड आप करंट ईयर की इनकम से डोनेशन दे सकते हैं, अक्यूमुलेटेड इनकम से आप डोनेशन नहीं दे सकते। अगर आपने ऐसा किया तो वो भी अप्लीकेशन वाले पार्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इन्होंने लिखा डोनेशन टू प्लस और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A और अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 1023C का क्लॉज 4, 5, 6 और 6A अदर देन टूवर्ड्स पर्पस इन केस ऑफ डोनेशंस आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड इनकम से आपने करा तो उनको एप्लीकेशंस नहीं ट्रीट करेंगे। डोनेशंस टू ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A और अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 1023C नॉट हैविंग सेम ऑब्जेक्ट। ये आपने अच्छे से पढ़ा है कि अपन सिमिलर ऑब्जेक्ट्स वाले को जो डोनेशंस है वो दे सकते हैं। अगर आपने सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन दिया तो ठीक है। अगर आपने उसके ऑब्जेक्ट्स अलग है और अपने ऑब्जेक्ट्स अलग है ऐसे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस को अगर आपने डोनेशन दिया तो वो भी अप्लीकेशंस नहीं होंगे। इसके बाद डोनेशंस टू एनी पर्सन अदर देन ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12B और अप्रूव्ड कि आपने डोनेशन दिया किसी अन्य व्यक्ति को जो कि 12B में भी नहीं आता 1023C में भी नहीं आता तो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ आपने आउटसाइड इंडिया आपने क्या करा आउटसाइड इंडिया एप्लीकेशन कर दी और एप्लीकेशन कर दी तो वो भी इसमें एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। फिर है आपने जिस आपका जो पर्पस था बियॉन्ड अप्लाइड फॉर एनी पर्पस बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन जिस ऑब्जेक्ट्स पे आपको 12A मिला था उस पर्पज के बियॉन्ड आपने एप्लीकेशन करी तो उसको भी अपन एप्लीकेशन ट्रीट नहीं करेंगे। एनी अदर डिसअलाउबल एप्लीकेशन जैसे आपने किसी अमाउंट पे TDS काटना था या TDS नहीं काटा तो वो केसेस आपको यहाँ देखने। अब ये है पार्ट सी शेड्यूल ए का सोर्स ऑफ फंड्स टू मीट रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रो ए कि जो आपके क्या सोर्स रहे कि आपने रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर किए उसकी सोर्सेस क्या रहे। तो पहला है इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑब्लिक इनकम अर्न ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर कि करंट ईयर की जो भी इनकम हुई उसमें से अपन ने खर्चा करा तो आपको यहाँ लिखना है कि रेवेन्यू वाला अमाउंट अपन ने यहाँ से करा और कैपिटल वाला करंट ईयर की इनकम से करा। साथ ही साथ आपने अगर पीछे इनकम अक्यूमुलेटेड एज अंडर सेक्शन 11 टू और थर्ड प्रोविजन सेक्शन इन अर्ली ईयर तो ये जो केस है इसमें आपने अगर फॉर्म पे लॉन्च कर रखा होगा पीछे उससे अगर आपने अमाउंट खर्च करा वो आपको डिटेल्स यहाँ फिल करनी होगी। इनकम ड्यूरेटेड टू बी अप्लाइड इन एनी प्रीवियस ईयर क्लोज टू अप्रॉक्सिमेटली ये फॉर्म 9A से रिलेटेड जो है फॉर्म 9A के आपके जो फंड होता है उससे अगर आपने खर्चा करा तो आपको यहाँ फिल करना है।
साथ ही साथ आपका जो इंसेंटिव वाला जो 15% जो बचा होता है उससे आपने खर्चा करा, तो यहाँ आपको फिर अगर आपने कॉर्पस से निकाल के अगर खर्चा करा तो कॉर्पस से निकाल के अगर आपने खर्चा करा तो कॉर्पस से कितना अमाउंट आपने निकाला रिलेटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ आपको फ्री करना। ये दोनों चीजें कॉर्पस और बोरोड फंड, ये इनमें मेजर अमेंडमेंट थे वो जो मैंने पहले आपको डिस्कस करे। तो कॉर्पस और बोरोड फंड में ये आपको देखना होगा कि जिस साल निकाला उसी साल इसको रिवर्ट बैक कर देना चाहिए ताकि उसी साल में आप अप्लाइड मान लें टोटल अमाउंट अप्लाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये आपका अमाउंट निकल के आ गया और अमाउंट अप्लाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अमाउंट विच वाज नॉट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आउट ऑफ थ्री, ये आपका टोटल अमाउंट अप्लाइड होगा। इस अमाउंट अप्लाइड में से आपको कितना पे करना बाकी है इस साल वो आपको फिर यहाँ करना है, और ये नीचे वाला जो अमाउंट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विच अक्रूड ड्यूरिंग एनी अर्ली इन प्रीवियस ईयर बट नॉट क्लेम्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम इन अर्लियर प्रीवियस ईयर, अर्लियर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई एक्सपेंस है जो प्रीवियस ईयर में अर्लियर प्रीवियस ईयर में अपने एप्लीकेशन क्रिएट नहीं करे थे, अगर ऐसा केस है तो उसका आपने पेमेंट करा है तो वो फिल कीजिएगा तो कि आपका टोटल अमाउंट अलाउड एज एप्लीकेशन यहाँ निकल जाएगा। इसके बाद अपने पास कुछ शेड्यूल्स जैसे मेजर शेड्यूल अपने पास आती है शेड्यूल IE4, IE4 की क्या है एक्चुअली जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और मेडिकल इंस्टीट्यूट उसके सामने अपने को IE4 फिल करनी है। IE4 केवल और केवल जैसे उसमें IE4 वो इंस्टीट्यूट फिल करेंगे जिनका पर्पज स्लोली फॉर एजुकेशन या स्लोली फॉर मेडिकल और उनकी ग्रोस रिसिप्ट 5 CR से नीचे, तो वो चीजें हैं आपका उद्देश्य है वो स्लोली फॉर एजुकेशन और स्लोली फॉर मेडिकल होना चाहिए और आपकी ग्रोस रिसिप्ट है वो 5 CR से नीचे होना चाहिए तब आप IE4 भरने के एलिजिबल होंगे। इसमें आपको ये चूज करना है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आपके इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्ट क्या है, मैं मेडिकल या एजुकेशनल, वो आपको चूज करना है अकॉर्डिंगली एम की सेक्शन 10.23 की थर्ड हेडिंग और थर्ड AE वो चूज करनी होगी। एड्रेस वेर द एक्टिविटीज कैरी आउट कि कहाँ पे आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं उसका एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है। ग्रोस रिसिप्ट एनुअल रिसिप्ट क्या रही संस्थान की वो आपको यहाँ पे फिल करना है कि ग्रोस एनुअल रिसिप्ट मेरी संस्थान की ये रही और उस ग्रोस एनुअल रिसिप्ट में मैंने इतना अमाउंट अप्लाइड कर दिया और अप्लाइड करा वो फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्जेक्टिव, फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्जेक्टिव स्लोली फॉर एजुकेशन और स्लोली फॉर। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें ऑब्जेक्ट सीट आपको चेक करनी चाहिए कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कोई जनरल ऑब्जेक्ट है, और साथ ही साथ एक शेड्यूल IE3 आप उसमें देखेंगे फॉर्म में, तो IE3 ये शेड्यूल है जिसमें अपन सेम और IE4 की तरह ही होते हैं, IE3 और IE4 इज द सेम। IE3 है वो क्या है गवर्नमेंट नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन के, जैसे IE3 है उनको सब्सटेंशियल फंडिंग बाई दी गवर्नमेंट, तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उस दशा में IE4 की जगह IE3 है, तो मेजर कोई खास डिफरेंस नहीं है और सेम डिटेल्स वहाँ है IE3 में, तो वहाँ आप IE3 सेक्शन है सेक्शन 115 TD जिसे बजट बजट टैक्स टैक्स के नाम से भी जाना जाता है, नई सेक्शन अमेंडेड सेक्शन है,
इसमें लिखा है कि सेक्शन क्या कहती है कि आप में जो है इस संस्थान जो 12 में रजिस्टर्ड थे तो उन्होंने वॉलंटरी वाइंड अप कर दिया या फिर वो कन्वर्ट हो गए नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और या फिर उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया और या फिर उनको रिन्यूअल लेना तो रिन्यूअल नहीं और या फिर मर्ज हो गए ऐसी एंटिटी के साथ जो उनके ऑब्जेक्ट्स के साथ मैच या सेट्स को ट्रांसफर करने में फेलियर रहा विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन रिजल्ट टेस्ट कि 12 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया कि अपने असेट्स को वो प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं कर पाए तो ऐसे केसेस में सेक्शन 115 पीडी के प्रोविजंस लगेंगे और क्योंकि तो अभी जो 30 सितंबर था अगर आप देखें तो जिन भी संस्थाओं में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन या फिर 31 मार्च 2021 से पहले अपने आप को रजिस्टर्ड कर रखा था पुराने में सेशन 12 में और उन्होंने 30 सितंबर को जो रिन्यूअल की लास्ट डेट थी अगर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं किया उसके सामने सेक्शन 115 TD के प्रोविजन लगे तो सेक्शन 115 TD जी में इसपे जो है टैक्स रेट है वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट के साथ है तो इसमें अपने पास सेक्शन 115 TD से रिलेटेड एक शेड्यूल दीजिए शेड्यूल 115 TD तो सेक्शन 115 TD उसमें जो अक्रेडिटेड इनकम है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन एज ऑन स्पेसिफाइड डेट जिस स्पेसिफाइड डेट है उस पे असेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे तो जैसे ये है आपने जैसे एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द टोटल असेट्स लेस टोटल लाइबिलिटी नेट वैल्यू ऑफ असेट्स निकल गई ये जो किसेज है ये फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स डायरेक्टली अप्लाइड आउट ऑफ द इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 10 10(1) में है जो एग्रीकल्चर अगर कोई इनकम रही थी जब संस्था रजिस्टर नहीं हुई थी तो उससे पहले अपने कोई या तो सेक्शन 10 के बिहाफ पे अपन इनकम से कोई असेट्स जनरेट करी है तो उनकी फेयर मार्केट वैल्यू को यहाँ से हटा दीजिएगा और या फिर जो है कि डेट ऑन विच ट्रस्ट इज क्रिएटेड एंड डेट ऑन विच डेट ऑन विथ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AA बिकम इफेक्टिव इस बीच में अगर कोई आपने असेट्स खरीदी हुई फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स अक्वायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन और एस्टैब्लिश्ड टू द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AA इस ड्यूरेशन में अगर आपने कोई असेट्स ली थी उनकी फेयर मार्केट वैल्यू भी इससे बाहर है और जैसे आपने फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स ट्रांसफर इन अकॉर्डिंग टू दी थर्ड प्रोविजन सेक्शन 115 TD टू तो ये 115 TD का सेकंड प्रोविजन क्या कहता है कि आपको जैसे आपको रिजोल्यूशन था रिजोल्यूशन तो आपको ट्रांसफर करने के असेट्स के 12 महीने के अंदर और अगर 12 महीने के अंदर अंदर आपने कर दी तो वो यहाँ लिखा जाए क्योंकि आपने एज पर लीगल प्रोविजन वो कर दी थी तो वो फेयर मार्केट वैल्यू थी यहाँ लिखना और ये तो टोटल आ गया और इसके बाद लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट दैट फोर तो लाइबिलिटी जो है वो फिर आपकी इनकम निकल जाएगी इनकम के बाद आपको मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से टैक्स जो है पे करना चाहिए सेक्शन 115 TD जो बड़ी ही वाइड है फर्स्ट और इंस्टीट्यूशंस के लिए ये उसी से जो आपका सेक्शन 115 TD से रिलेटेड
ये अपना एक जो आपका स्टेटमेंट हम को देती है वो पार्ट बी इसका आप देखेंगे, पार्ट बी जो फॉर्म का पार्ट बी देखेंगे, तो ये टैक्स कंप्यूटेशन, टैक्स कंप्यूटेशन। तो ये जैसे टैक्स कंप्यूटेशन है, तो आपको जैसे इनकम जैसे वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहे अदर देन कॉर्पस अनोमिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन, ये आपको और जो ऑटो फिल होगी भी आ जाएगी, ये चीजें हैं जो ऑटो फिल होकर आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि ये टैक्स की कंप्यूटेशन है। तो इसमें आपको कुछ करना है नहीं, कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेशन ऑटो जनरेट हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे जैसे जो इनकम प्रोसेस ऑफ करंट ईयर टू बी सेटअप अगेंस्ट 10, तो ये जो है जैसे आप टी आई निकल गई जैसे इनकम की सीट इंक्लूडिंग थिंग्स आर गिवन टू स्पेसिफाइड नॉमिनेशन का है भी। ये है ये फ्लेक्सिबिलिटी वाला पार्ट है कि आपके ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी बनती है तो क्या हम कर सकते हैं। और ये है जो आपके टैक्सेशन के जो शॉर्ट टर्म जो चार्जेबल है लॉन्ग टर्म चार्जेबल है, जो अपन नॉर्मली इनकम टैक्स में करते हैं कंप्यूटेशन, वो कंप्यूटेशन भी यहाँ पे है आपके ग्रोस इनकम के साथ, और फिर आपकी नेट इनकम क्या है इस पर क्या टैक्स पड़े ये सब देगा। आइडियल 7 का फॉर्म है वो करीबन करीबन 33 पेजेस, तो साथ ही साथ अपन एक चीज आपको सेक्शन 115 BBC अनोमिनियस डोनेशंस की भी इसमें देखना पड़ेगा कि अनोमिनियस डोनेशंस कब देखा है। अनोमिनियस डोनेशंस क्या है? अनोमिनियस डोनेशंस, अनोमिनियस डोनेशंस है कि किसी भी पर्सन ने डोनेशन दिया लेकिन नाम पता नहीं दिया, उस दशा में संस्थान की जो कैटेगरी आती है वो अनोमिनियस डोनेशन की आती है। तो अनोमिनियस डोनेशन वेर ए पर्सन हु इज रिसीविंग सच कॉन्ट्रीब्यूशन डज नॉट कंटेन डज नॉट मेंटेन एनी रिपोर्ट टुवर्ड द आइडेंटिफाइड हैविंग ए नेम एंड एड्रेस, कि आपके पास अगर नाम और पता नहीं है उस दफा में आपके अनोमिनियस डोनेशंस में ट्रीट किया जाएगा। क्यों करा जाएगा? क्योंकि ये क्या है चैनलाइजेशन है अनअकाउंटेड मनी को रोकने के लिए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से। तो सेक्शन 115 BBC हैज बीन इंसर्टेड इन द इनकम टैक्स एक्ट। तो जो भी है एज पर दिस सेक्शन एनी इनकम ऑफ ए होली चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ अनोमिनियस डोनेशन शैल बी इंक्लूडेड इन इट्स टोटल इनकम एंड टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, कि 30% की टैक्स रेट है अनोमिनियस डोनेशन। पहली बात तो क्या है एक इंस्टीट्यूट कितना अनोमिनियस डोनेशन दे सकता है, तो सेक्शन में आपको देखने को मिलता है सेक्शन 115 BBC में। सेक्शन 115 BBC क्या कहता है कि आप अनोमिनियस डोनेशन ले सकते हैं, अनोमिनियस डोनेशन ले सकते हैं दी एग्रीगेट अनोमिनियस डोनेशन एक्सीड्स ₹1 लाख और 5% ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव, इन दोनों का जो भी हायर है उतना आपके संस्थान में अनोमिनियस डोनेशन हो सकते हैं। ये है जो क्लोज है वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए है। अगर आपका जो 12 मिला है आप वो होली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में मिला है, तो आपने कितने भी अनोमिनियस डोनेशन लिए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टैक्स से आप एग्जम्प्ट रहेंगे, क्योंकि रिलीजियस में अनोमिनियस डोनेशन बहुत ज्यादा जरूरी। ये है ना बेसिक जो ITR 7 का स्ट्रक्चर है वो अपने आप डिस्कस करा। और ये ITR 7 वैसे तो ITR 7 में आप पॉलिटिकल पार्टी के शेड्यूल देखेंगे तो बड़ी वाइड है, और अदर देन जैसे सेक्शन 10 की स्पेसिफिक जैसे यूनियन वाली है तो वो भी अलग। मैंने आपसे कॉमनली जो अपने काम में आती है शेड्यूल वो आपसे डिस्कस कर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलती है थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। यू सर।
एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन सर? देर आर थ्री फोर क्वेश्चन अग्रवाल सर. वन इज सोसाइटी अप्लाई सोसाइटी अलाउड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AA80G फॉर 3 years. मेरी आवाज आ रही है सर आपको? ठीक है. ओके. Society applied for permanent registration, but due to non-availability of the Devasthan registration, Devasthan Vibhag registration, their 12AA and 80G concession has been denied. अब वो ये चाहते हैं कि वो कौन से फॉर्म में रिटर्न भरे, आइदर आईटीआर 7 चुने या दूसरा चुने, आईटीआर 5 चुने. हाँ सर, एक्चुअली इस दशा में आईटीआर 5 आपको फिल करना पड़ेगा. आईटीआर 5 फिल करना पड़ेगा. और आप ये देखते कि 30 मार्च 23 तो मेरे पास अगर प्रोविजनल की इफेक्टिव है मेरे पास उस डेट पे, तो आप आईटीआर 7 वो आपको ये प्रोविजनल जो है पर परमानेंट डिनाइड किया सर. प्रोविजनल इज देयर, प्रोविजनल दैट इज वैलिड फॉर 3 इयर्स. वैलिड फॉर 3 इयर्स का सर, अगर एक्टिविटी उन्होंने पहले स्टार्ट कर ली होगी तो वो 6 महीने की वैलिडेशन थी उसकी, लेकिन एक्सटेंडेड बाय एक्सटेंडेड दैट करते हुए 30th सितंबर तक अभी अभी जो सर्कुलर आया था पहले मई में, तो उसको जो 30th सितंबर तक लेके आ गए. हाँ, उन्होंने पुराना रिजेक्शन नहीं होना चाहिए कि अपन ने क्या पहले अप्लाई पहले भी अप्लाई करा था उसी प्रोविजनल के संदर्भ में और डिपार्टमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया हो, ऐसी दशा में तो आईटीआर 5 आप फिल करेंगे, अदरवाइज आईटीआर 7 कोई समझ नहीं. सर वो लर्निंग लाइसेंस है, लर्निंग लाइसेंस है तो लर्निंग लाइसेंस से अपन गाड़ी चला सकते थे. राइट सर, थैंक यू. दूसरा क्वेरी है सर, इज इट मैंडेटरी फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 एंड 10 23 सी और देवस्थान रजिस्ट्रेशन विभाग का रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या उन्हें? एक्चुअली सर, जो अपना नोपल एजुकेशन सोसाइटी का एक केस हुआ था 18 अक्टूबर 2022 को, उस केसेस को अपन देखते हैं तो उस केस में अपने को 1023C के मसले में अपने को कहा गया था कि आप स्टेट के नॉर्म्स का कंप्लाइंस करा, लेकिन यहाँ पे स्टेट नॉर्म्स में क्या है, देवस्थान भी आता है राइट, क्योंकि अपने यहाँ राजस्थान में चैरिटी कमिश्नर बैठता है, तो चैरिटी कमिश्नर बैठता है, लेकिन अप्लाइड सर 1023C के मसले पे होता है, लेकिन यहाँ जो अपने एग्जम्पशंस के हेड हैं तो उन्होंने क्या इसको अप्लाइड 12A के केस में भी कर रखा है, तो वो क्या आप ये इसमें, मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही नहीं सर, आप जैसे कोई भी हो अदर देन सेक्शन 8 तो सबको रिक्वायर्ड है, सबको रिक्वायर्ड, उसके बगैर नो. राइट, अनदर क्वेरी इज Can CSR be treated as corporation fund, COFS fund? Can CSR? CSR sir, कभी आपको जैसे specific directions के साथ नहीं आता. Right. Specific. अगर इसके साथ कोई specific direction attached है corpus treated. लेकिन generally ऐसा नहीं होता. Right. What is the basic exemption limit to file 10BB? 10BB audit report. Audit report जैसे 10BB की जो basic limit है वो सर 2,50,000 क्योंकि 2.5 लाख, लेकिन जैसे अपन 2.5 लाख की बात करते हैं, राइट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या, अगर आपने 12A ले रखा है, ठीक है, 12A ले रखा है और 12A ले रखा है, आपकी ग्रोस रिसिप्ट है वो 2.5 लाख से नीचे, अगर आपने आईटीआर 7 दाखिल करी, आईटीआर 7 में सर एक ऑडिट का कॉलम है, तो वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर जब भी जनरेट करता है 143(1) देखता है, तो वो जैसे ही आपने 12A में अपने आपको रजिस्टर्ड शो कर दिया तो वो आपको जो ये 2.5 लाख वाली बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है सर नहीं देता, इस पर 2.5 लाख पे आपको 30% का टैक्स लगा के डिमांड निकाल के देता, फिर आपको लड़ना पड़ेगा उसमें. तो मेरा तो यही कहना है कि आपके अगर 2.5 लाख की रिसिप्ट भी है ना, 2.5 लाख या उससे नीचे की रिसिप्ट अभी तो भी आप ऑडिट डालिए, तो भी डबल भी भर दो, फर्क कोई फर्क नहीं पड़ता. ये सीमाज आई फॉर्म से कोई क्वेरी है सर? सीमाज आई फॉर्म, आई वुड रिक्वेस्ट काइंडली आस्क योरसेल्फ.
सीमा जी फोन से कोई रिक्वेस्ट है? ओके नहीं अवेलेबल है। प्रियांश जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को, आपकी क्वेरी आपने रेज हैंड कर रखा है, अनम्यूट करिए अपने आप को प्रियांश जी। सर सर मैं ये क्वेरी पूछना चाह रहा था कि शेड्यूल जे के अंदर जो कॉर्पस की डिटेल है सर, जो अमाउंट अप्लाई हो चुकी है पुराने कॉर्पस में, जैसे कई इंस्टीट्यूशन है जिनमें एक एक दो दो करोड़ का बिल्डिंग फंड पहले आया हुआ है और अप्लाई हो गया, तो सर उसको भी अभी शेड्यूल जे में रिपोर्ट करना है पुराने कॉर्पस को या नहीं करना, क्योंकि बैलेंस शीट में तो सर वो शो करेगा। कॉर्पस वाला क्या है एक्चुअली सर मैं बताना चाहूंगा कि कॉर्पस थोड़ा झंझट का काम मिलेगा, कि कॉर्पस के लिए आप एक तो क्या करें, इसको सेपरेट बैंक अकाउंट में, सेपरेट बैंक, सेपरेट बैंक अकाउंट का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें कॉर्पस से रिलेटेड ही है। तो एक तो इस दिशा में आप कॉर्पस जो आगे से है उसको अपने एडवाइस करें किसी को, सेपरेट बैंक अकाउंट में। हाँ आपने पूछा बिल्डिंग, बिल्डिंग का आपने कॉर्पस क्रिएट करा और उसमें से आपने अप्लाइड कर दिया पार्ट को, वो तो लेस हो गया ना 31 मार्च। अप्लाई कर दिया वो लेस हो गया, लेकिन एक्चुअल में सर जो अपन बैलेंस शीट का शेड्यूल भरेंगे तो उसमें सर अमाउंट तो कॉर्पस की साइड में तो अमाउंट शो होगी जो बिल्डिंग फंड के लिए आई थी, और एसेट साइड में बिल्डिंग शो होगी, तो सर जो बैलेंस शीट भरेंगे वो डाटा सर शेड्यूल जैसे भी मैच होना रिक्वायर्ड रहेगा, तो सर दोनों साइड में डालेंगे हर साल एंट्री। वो है ना कॉलम पे असेट्स का, है ना कॉलम असेट्स का, तो आपने जो असेट्स एक्वायर में कर लिए। रिपोर्ट करें उसको फिर। हाँ, रिकंसिलेशंस में लिखेंगे ना आपने असेट्स परचेज करी है इतने अमाउंट के, हमने परचेज करी है सर, और ये हमारे अगर आपने वो असेट्स है उसका वैल्यू भी आपने डेप्रिसिएट कर रखा है, तो ये डेप्रिसिएशन के बाद ये था और डेप्रिसिएशन ये इतना अमाउंट, इस पर डेप्रिसिएशन बना है तो वो मर्जिंग आपको मैच हो जाएगा शेड्यूल जे, शेड्यूल जे के साथ आपको जो डिफरेंस आपको बैलेंस शीट के साथ रिकंसिलेशन करना होगा। थैंक यू अतुल, अतुल अग्रवाल जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। सर मेरी क्वेरी ये है कि हम जब IDR 7 भर रहे हैं फॉर एनी सोसाइटी और ट्रस्ट, तो उसमें जैसे हम लोग सेक्शन 139(4)A ले रहे हैं, उसमें सेक्शन 11 क्लेम कर रहे हैं, तो उसमें सर वो एक एरर बता रहा है कि द सेक्शन इन विच यू हैव अप्लाइड इज डिफरेंट इन अदर फ्रॉम द सेक्शन इन विच यू हैव गॉट द रजिस्ट्रेशन फॉर, तो सर इस उसमें क्या करना चाहिए? आपने उसके अंदर जो रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A, 12AB जहां लिखा था वहां पे टिक करके उसको यस करा। यस सर, हम इसमें यस किया हुआ है सर। यस करा हुआ तो सर नहीं होना चाहिए, अगर आपकी है बेसिकली तो मेरा नंबर आपको सेव कर देता हूं, तो ऐसा है तो मैं आपको चेक कर देता हूं। ओके सर, बेसिकली नहीं होना चाहिए, बस ये नहीं होना चाहिए। ओके सर, ओके सर। सॉफ्टवेयर से कर रहे, किसी सॉफ्टवेयर से कर रहे क्या? राजेश देवपुरा जी, राजेश देवपुरा जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो हेलो, सुन रहे हैं सर? हाँ हाँ, आवाज आ रही है आप प्लीज। सर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स का इश्यू था मेरा। ये डेप्रिसिएशन एसेट्स हमने एक्वायर करी कॉर्पस फंड या 15% सेट अपार्ट फंड से, तो क्या इस पे डेप्रिसिएशन मिल पाएगा सर? डेप्रिसिएशन आपने क्या आपने कॉर्पस से अगर किसी फिक्स्ड एसेट्स को, हाँ कॉर्पस से या 15% सेट अपार्ट फंड से, उसको अप्लाइड कैसे अप्लाइड नहीं क्लिक करा पाएगा, क्योंकि आपने एसेट्स के क्रिएशन टुवर्ड्स द कॉर्पस करा थ्रू द कॉर्पस आया जिसी डायरेक्शन के लिए था, तो कॉर्पस जो आपने कॉर्पस आया था तो उस पे भी तो आपने 85% में नहीं लिया था ना कॉर्पस को भी जी, तो सेम अप्लाइड, क्योंकि आपको डबल बेनिफिट तो नहीं देगी कॉर्पस। अच्छा, तो सर डेप्रिसिएशन का फिक्स एसेट्स वापस रिप्लेस फंड कैसे जनरेट होगा सर जब ओल्ड खत्म हो जाएगी? आपने जो क्रिएशन ऑफ एसेट्स करा था वो थ्रू द फंड ही करा, उस फंड पे आपको टैक्स नहीं मिलता था। अच्छा, आपने जब असेट्स को क्रिएट करा था तो वो कॉर्पस ही कर रहा था। जी 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 जी, तो कॉर्पस को करा था जिस साल कॉर्पस आया था जी, उस साल अपने पास कोई 85% की उस कॉर्पस को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी थी ना। जी 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 सर, तो आज आप उसको कैसे अप्लाई नहीं? अच्छा 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 जी सर। सेकंडली सर, बोर आउट फंड्स फ्रॉम ट्रस्टी विल फॉल अंडर कंट्रीब्यूशन?
बोरोड फंड का आपको, जैसे मैंने बताया बोरोड फंड का, ट्रस्टीज हो या फिर अदर पार्टी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने बोरोड फंड से लिया, पेमेंट लिया, ठीक, जी बोरो करके आपने एक्सपेंडिचर कर दिया, इसी साल का देखो 21 मार्च 23 की बात करते हैं, जी जी 21 मार्च 23 में आपने बोरो लेकर एक्सपेंडिचर कर, ठीक है, लेकिन रीपेमेंट नहीं करा आपने, नहीं रीपेमेंट नहीं करा उसका, तो नहीं आपका इस साल भी अप्लाई नहीं होना। अच्छा जिस साल आप ट्रस्टी को रिवर्ट कर देंगे वो रिपेमेंट, उस जी साल आपको, ठीक अच्छा है, अच्छा बस अच्छा ये आपका कॉर्पस में भी यही है और बोरोइंग फंड में सेम है, ये लास्ट ईयर के अमेंडमेंट्स थे ये दोनों, जी तो ये दोनों सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सिद्धार्थ जैन साहब इज देयर? सिद्धार्थ जैन साहब, रतन जी एक क्वेरी है मेरी हाँ बोलिए ना सर, बोलिए ना प्लीज। सर। हाँ मेरा निवेदन है, हमारे एक पार्टी माहेश्वरी समाज है, तो उन्होंने यहाँ जो जमीन अलॉट कराई थी तो उन्होंने कलेक्शन किया उस पैसे का, तो जो करीब 50 लाख रुपए है, तो वो खाली सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो उस पैसे का क्या स्टेक होगा, मतलब क्या टैक्सेबल होगा वो, कैसे होगा वो? लोगों से कलेक्ट किया उसने 50 लाख और जमीन ले ली है यूआईटी से कंसेशनल रेट पर, तो 50 लाख जो कलेक्शन हुआ है सोसाइटी 12A में रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे उसका? नॉर्मल नॉर्मल सर कॉर्पस लीजिएगा, नहीं तो आप अगर 50 लाख को अगर वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन स्प्रेड करेंगे तो आपके पास सरप्लस इतना निकल के आ जाएगा कि आपको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं है। तो जिनसे जिसमें डोनर आप से है उसको कॉर्पस के लिए लें? सर कॉर्पस के पास कोई उसमें है ही नहीं, आपने पास कोई रिश्ता ही नहीं है, क्योंकि आपने पास लाइसेंस नहीं, अदर देन लाइसेंस नहीं है तो अपने पास ITR 5 फिल करेंगे सर। अगर इस दफा में ITR 5 अगर फिल करेंगे तो अपने को टैक्स भरना, तो ITR 7 कॉर्पस के भरेंगे वैसे अलावा तो अपन नहीं, ITR 7 तो भर ही नहीं सकते ना सर, आप अलाउड ही नहीं है सर। ITR 7 तो आपका अलाउड ही नहीं है सिंस यू आर नॉट अलाउड ही नहीं रजिस्टर्ड। सर। ये सिर्फ सर सिस्टमेटिक आपकी अकाउंटिंग से आप सेट कर सकते हैं उसको, तो उस हिसाब से आपको कॉर्पस लेंगे तभी आप टैक्स दे देंगे सर। तो कॉर्पस लेने के लिए हाँ डॉक्टर कुछ लिखवा के लेना होगा, क्या करना होगा सर? सर, डोनेशन स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए। अच्छा। अग्रवाल सर एक क्वेरी है हाँ सर, सीमा जी की है। ITR इज अलाउिंग रीपेमेंट ऑफ लोन अप्लाइड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22-23 बट नॉट अलाउिंग इन द ईयर 31-23। अर्लियर इट वाज लोन टेकन बट रीपेमेंट इस साल में हो रहा है, वो अलाउड नहीं कर रहा उनको इस साल में। जो 2 साल का अभी जो जो डाटा है लेटेस्ट अमेंडमेंट आया उसके रेस्पेक्ट में ये पूछना चाह रहे हैं। उसमें क्या है सर, देखो 6 2 साल पहले जो हमें मिलता है उसमें आप कॉलम देखेंगे तो 2 ही साल के मिले, उससे 2 साल से पहले के नहीं थोड़ी सी मिलते। आवाज नहीं आ रही, लो वॉइस प्लीज। हेलो हाँ सर आ रही है। नहीं है, पीछे के जैसे दो, इसमें क्या है अपने को 2 साल के डाटा देखने को मिलता है, 2 साल पहले ही अमेंडमेंट आया था। अगर 2 साल से पहले के आपको रीपेमेंट आपने करे हैं, राइट रीपेमेंट करें तो 2 साल से पहले के रीपेमेंट करें तो अपने 2 साल से पहले वाले पार्ट में आपने अप्लाइड भी मान लिया था, तो अमेंडमेंट के टाइम, अमेंडमेंट के बाद ही अप्लाइड वाला पार्ट बंद हुआ है, तो उस वक्त आपको अप्लाइड मान लिया था तो डबल अप्लाइड कैसे, आप नहीं, रीपेमेंट ऑफ मान लो लोन हो उसने रहा उस है टाइम उन्होंने अप्लाइड वाला क्लेम ही नहीं किया हो सर। तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें नहीं मिलेगा, वो करना चाहिए था, उस टाइम सो करना क्लेम भी चाहिए नहीं किया और रीपेमेंट आप कर रहे हैं तो अब नहीं सर। मिलेगा ऐसा सर, एक टाइम तो मिलेगा ना। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर, उन्होंने क्लेम नहीं करा होगा सर, उन्होंने एक्चुअली जो अपनी एप्लीकेशन वाली डिटेल है उसमें मिस्टेक कर, क्योंकि सर एप्लीकेशन था ना सर जो करा है, देखिएगा आपको जब शॉर्टफॉल पड़ा था, जब शॉर्टफॉल हुआ तो आपने लोन्स एंड बोरिंग्स लिए होंगे उस साल में, बराबर है, तो लोन्स एंड बोरिंग्स लेके आपने एक्सपेंडिचर करे, एक्सपेंडिचर वाला रेशियो तो बड़ा होगा ना सर, अप्लाइड टका लिया होगा ना, ये सर। राइट सर। चलिए मेरे ख्याल से वी आर टेकन ऑल द क्यूरीज, आई थिंक नो क्यूरीज पेंडिंग राइट नाउ। जो मेरे ख्याल से दिस इज द एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स। सो थैंक यू सो मच तेज प्रकाश जी फॉर बीइंग विद अस दिस इवनिंग। RTC एंड TC आर रियली रियली ग्रेटफुल टुवर्ड्स यू। फॉर फॉर्मल वर्ड ऑफ संजय थैंक्स आई वुड रिक्वेस्ट सर, संजय शाह जी।
to please kindly propose a formal vote of thanks towards Sri Tej Prakash Ji Agarwal, very learned speaker. He has taken us in a very intricacies of the ITR 7. Thank you so much. Sanjay Shah Saab, please. I, on behalf of the organizing associations RTC and TCA, extend gratitude and heartfelt thanks to our learned speaker, Sri Tej Prakash Agarwal Ji, for delivering enlightening talk on ITR 7. I am confident that all the members have been benefited by his deliberations. I also thank our expert CA Prakash Parwal Saab for sharing his expertise, and I thank all the members participating from across the country in the webinar. Thank you. Thank you, sir. Thank you, all the participants. We are again meeting on Monday. We have a scheduled meeting for company A to Z about the company's company ROC compliances with regards to the company's LLP and etc. We are again meeting on Monday, this time 5 to 7. Thank you so much. Thank you so much. Thank you all. We are ending the meeting. Thank you. Thank you, Tej Prakash. Thank you to all. Thank you, sir. Thank you.